उतना को भेज दिया, एक महीना के अंदर में कहीं भी कोई बालक जन्म लेगा उसको मारने के लिए। इतने में वसुदेव का नंद, भैया यहाँ पर ज्यादा समय मत रहा करो, जल्दी जल्दी तू वापस चल जा गोकुल में, क्योंकि लगता है कुछ अनहोनी हो सकती है। इतने में नंद बाबा ठाकुर का स्मरण करते हुए, हे ठाकुर, हे नारायण, तेरी कृपा से ये बूढ़े उम्र में एक लाला मिलो है, लाला तेरो है, ये लाला को तू रखा करना। नारायण को स्मरण करते करते आ रहे थे, जब आए उन्होंने देखा पुतना बनी पड़ी। बोले भैया लगता है ये वसुदेव बड़ा ज्योतिषी है, सही बात बताया, मैं था नहीं ना इसलिए ये पुतना घुस गई, अगर मैं रहता तो पुतना घुस नहीं सकती थी। बोले देखो एक काम करियो, एरे गेरे व्यक्तियों के अंदर में घुस मत देना, घुसने नहीं देना, एकदम कड़ी पहरादार आनंद भवन में श्री शंकर दिया है। शंकर जी सत्यम शिवम सुंदर, उन्होंने देखा प्रभु को सारे लीला हमने देखी, लेकिन कृष्णा भगवान होकर के जब कृष्ण को भूख लगता है मैया उनको दूध पिलाती है, अगर मच्छर काटे ना तभी ठाकुर जी मच्छर को भी हटा नहीं पाते हैं, हैं? अब विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले मैया क्या करती हैं, जैसे बच्चों को अंगुल पकड़ा करके मैया ठुमुक ठुमुक करके चलाती हैं, ऐसे ही मैया अभी कन्या को चलाना सिखाती हैं। ये लीला तो हमने कभी ठाकुर को देखा ही नहीं। शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करके आए, हमको पता शंकर जी सत्यम शिवम सुंदरम तो है, लेकिन शंकर जी का जो ऊपर का जो वेश है बड़ा अभद्र वेश है, बड़ा अमंगल वेश है। शरीर में क्या लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, भस्म कहाँ की, शमशान की, क्या उनको कोई पाउडर मिला नहीं, कोई क्रीम नहीं मिला शंकर जी को, उन्होंने ये शमशान की भस्म क्यों लगा रहे हैं, कहते ये दुनिया को शंकर जी सिखा देते हैं, जिस शरीर को तुम ब्यूटी पार्लर में ले जाते हो, अब पता नहीं कितने बढ़िया बढ़िया साबुन से रोज स्नान कराते हो, बढ़िया है शरीर को श्रृंगार करते हो, इसका परिणाम क्या जानते हो, एक मुठी राख है और कुछ नहीं। इसलिए भैया इस शरीर को दिन भर लेकर के शरीर को पड़े मत रहना, पड़े रहना तो उस मनसान को पास में बैठते ना, क्या देखते हैं एक एक व्यक्ति को ले आते हैं कंधे पर, राम नाम सत्य करते करते और वहीं पर जला करके सबके सब चले जाते हैं, लेकिन कब तक ये राम नाम सत्य कहते हैं, ध्यान देकर सुन माता है, बोले जब तक ये सबको कंधे पर रखते तब तक कहते भैया राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, मतलब क्या उसको सुनाते हैं, देख जितने जीवन में राम और कृष्ण का नाम लिया ना वही गया, और इसके सिवाय जो कुछ किया जो झूठे में तुमने बिताया, लेकिन कब तक है, बोले जब तक कंधे पर रखते हैं, अब उसको जब उतार देते हैं ना, बोले बीबी सच्चा है, पैसा सच्चा है, दुकान बकान सच्चा, अभी राम नाम सच्चा नहीं है। इसलिए शंकर जी वहीं पर बैठ बैठ कर सब चीज को देखते रहते हैं, और शंकर जी हड्डी की माला पहनते हैं, बोले क्यों, ये शरीर का परिणाम एक दिन दो टुकड़े हड्डी और कुछ भी नहीं, इसलिए भैया ये संसार में आसक्ति मत करो, इसलिए आसक्ति किसी को मैं करो भगवान में करो, ये महामंत्र जयी जपत महिषा। इसलिए शंकर जी दिन रात क्या करते हैं, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। इसलिए शंकर जी पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, प्रभु का नाम भजन की शिक्षा देते हैं। शंकर जी के सर के ऊपर में जुई बेली चमेली फूल नहीं, कहते आकंद और धदुरे के फूल चढ़ाते हैं ना, जो जंगल में होता है इसको कोई नहीं, बड़े जहरीले है फूल, ये फूल बड़े जहरीले फूल है, बोले अच्छे अच्छे फूल क्यों कहते धारण किए, शंकर जी सेवक है ना ठाकुर जी की है, बोले भैया ये जितने बढ़िया बढ़िया फूल तो मेरे ठाकुर के लिए, मेरे बांके बिहारी के लिए, मेरे प्रभु राम के लिए, अगर मैं जितने अच्छे फूल धारण करूंगा तो मेरे भक्त क्या करेंगे, वो अच्छे अच्छे सारे फूल को ला करके मेरे सर के ऊपर में चढ़ाएंगे हैं, इसलिए उन्होंने चंदन नहीं लगाते, राख मलते हैं, बोले क्यों, बोले चंदन तो मेरे प्रभु के लिए,
राग तो मेरे लिए ही राग है। इसलिए कहते शंकर जी हैं, उनका श्रृंगार क्या है, कोई सोने चांदी नहीं पहनते शंकर जी। अरे बात मत करो, पीछे बैठ के गप्पे मारते हैं। ये तीन चार बैठ गए पास पास में, गप्पे रहते हैं। अलग और बैठे तो भी अलग बैठो, अलग बैठो, वहां पर दो चार एक साथ में बैठ गए। संसार की बात तो दुनिया भर करते हो, यहाँ भी आकर दुनिया की बात करते हो। हरिकथा सुना, इसलिए बस श्री भोले बाबा की। इसलिए शंकर जी कोई सोने चांदी ये सब कोई गहना धारण नहीं करते। देखना सारा शरीर में सर्प, गले में भी सर्प, हाथ में भी सर्प, कमर में भी सर्प। देखना ये सर्प कौन है, ये अनंत देव है। ये अनंत देव कौन है, ये शंकर जी गुरु, ये संकर्षण है। इसलिए शंकर जी दुनिया को सिखा देते हैं, अगर अलंकार धारण करना है ना, गुरु जी की उपदेश को ही जीवन में अलंकार रूप में धारण करो, जो तुमको संसार के बेड़ा पार करा देने वाले। ठीक है ना, जिसने सोने चांदी हम पहन रहे ना, जैसे अंतिम समय में देखना मन माता जी के नाक में बेसर और कुछ नहीं, शरीर में कोई अलंकार नहीं, केवल एक बेसर रह गया। आप देखना जब शरीर को ले जाते हैं, इधर बहू है तो रोएंगे हैं, अरे मेरी सास चली गई, मेरी मैया चली गई, इधर रोते रहेंगे। और बेटे को कान में बोलेंगे, बोले ध्यान रखना मैया के कान में बेसर है, उसको निकाल के रखना। नाक में जो कि छोटी सी बेसर है ना, इसको भी साथ में जाने नहीं देंगे, सब यही पर निकाल करके, सबके सब यही निकाल करके रख लेंगे हैं। इसलिए कहते भैया अलंकार अगर धारण करना है ना, गुरु जी की उपदेश को, गुरु जी की शिक्षा को अपना जीवन में अलंकार बनाओ, जब अंतिम समय में जो तुम्हारे जीवन में काम में आने वाले हैं। इसलिए शंकर जी दुनिया को केवल एक ही शिक्षा देते हैं, शंकर जी भगवान की भक्ति करो। इसलिए शंकर जी अपने आप को उन्होंने छुपाने के लिए बहुत कोशिश किया है, लेकिन शंकर जी छुपा नहीं सके। बोले क्यों नहीं छुपा सके, उनको पास में सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी को पास में, क्या पवित्र वस्तु है, कहते शंकर जी की जो जटा है ना, वो जटा में श्री गंगा माता जी है। बोले गंगा मैया की माता जी, जो पानी दे रहे हो, जब कीर्तन हो ना तभी पानी देना, चुपचाप बैठो कथा सुनो। इनका जितने कथा में जितने पानी पीने की समीक्षा करो, जब कीर्तन हो तब देखो, जब कथा हो ना, कथा ऐसे की चीज है, अगर सामने वाले अगर इधर उधर हो ना, वो सुनाने वाले नहीं सुना सकते। इसलिए परिकित महाराज जो बैठे ना, वो 7 दिन तक पानी नहीं पिए, 4 दिन तक तो पानी नहीं पिए। जब 4 दिन में उनको पानी पिलाने की बात बताई, बोले प्रभु जी अगर कथा बंद कर दो ना, मेरे को प्यास लगने लग जाएगी। इसलिए कथा बंद मत क्या करो, ये पानी के लिए इतना गड़बड़ी हुई ना, मैंने ऋषि को पानी मांगने गया, पानी नहीं दिया तो मैंने क्या किया, गले में मरा हुआ सर्प को डाल दिया और बेटा ने अभिशाप दे दिया, और इसलिए मेरे को अभिशाप लगी। ठीक है, जिस समय कीर्तन हो उसी समय जितना पानी पी लेना। ठीक है, जब कथा हो ना एकदम टस से मस नहीं होनी चाहिए, एकदम चुपचाप बैठ के कथा होनी। ठीक है, 2 बार मेरे को बोलना नहीं पड़ जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश्याम। इसलिए कहते यहाँ पर श्री शंकर जी हर समय भगवत भक्ति ही शंकर से क्या देते हैं, हैं? इसलिए जब शंकर जी आए ठाकुर को दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पर तो बड़ा पहरेदार, इतने में शंकर जी, इतने में जो पहरादार था उनको शंकर जी बोले, बोले मैंने सुना है नंद बाबा का घर में एक लाला भय हो, तो वो दरबार कहते लाला भय तेरे कहाँ भय हो। बोले मैंने बड़े दूर से लाला को दर्शन करने के लिए आया। बोले बाबा कुछ दिन पहले पूतना आ गई थी, और तू तो पूतना तो इतने सुंदरी बन करके आई थी, ऐसे लग रहा था मानो लक्ष्मी ये वैकुंठ से उतर करके आए, और तेरे को तो देख करके मेरी जी घबरा रहा है, हैं? सांप बिच्छू लटक रहा है, जटा भस्म धारण किए हुए, बड़े भयंकर तुम्हारी रूप है। इसलिए हमारे लाला को तो जल्दी से जल्दी नजर लग जाती है, इसलिए अगर तुमको कोई भिक्षा चाहिए सोना चांदी लो, और अपना रास्ता देखो, हैं? लाला को दर्शन नहीं होगा। इतने में उन्होंने जा करके मैया जसोदा से बोली, बोले मैया कहाँ से के बाबा आए हो, वो कहते लाला को दर्शन कराओ, उसको देख करके तो मेरा जी घबरा रहा है।
मैया देखने के लिए आई, देखकर तो डर गई, बोले बाबा क्या चाहिए। बोले बाबा मैं बड़े दूर से आया हूँ तेरे लाला को दर्शन करने के ताई, बढ़िया आशीर्वाद दूंगा तेरे लाला को। बोले बाबा तभी तो आशीर्वाद देना है, लेकिन तेरे को तो देखकर मैं ही घबरा रही हूँ, अरे मेरे लाला को तो जल्दी नजर लग जाता, अभी मेरे लाला छोटा से है, इसलिए सोना क्या चाहिए लो और अपना रास्ता को देखो, लाला दर्शन नहीं होगा। मैया लेकर लाला को कोड़े में छुपा दी, शंकर तो वहीं पर त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए। बोले जब तक लाला को दर्शन नहीं दोगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं। और शंकर जी मन मन में उन्होंने भगवान को स्मरण किया, ठाकुर जी बड़े दूर से आया हूँ कैलाश से, तेरे सारे लीला मैंने देखी लेकिन ये बाल्य लीला दर्शन नहीं किया, एक झांकी दर्शन दे दो। इतने में कृष्ण तो भक्तवत्सल, इतने में कृष्ण रोना शुरू कर दिए दर्शन देने के लिए शंकर जी को। मैया जितने जोर से थपथप लगाई उतना जोर से कृष्ण रोए, पूरा परिवार परेशानी हो गई, रोना बंद नहीं हो, जितने समझा इतने चिल्ला चिल्ला कर दी, इतने रो रहे तो पूरा परिवार परेशानी हो गई। एक गोपी ने कहा बोले भैया वो जो बाबा आया ना वो त्रिशूल गाड़ कर बैठा हुआ, अब आंख बंद करके पता नहीं हो ना हो तेरे लाला को कोई जादू टोना कर रहा है, हैं? और शंकर जी डम्बरू बजाना शुरू कर दिया, ए जितने जोर से डम्बर सुने कृष्णा उतना जोर से रोई। बोले लाला को दर्शन दोगे तब जाएगा नहीं जाएगा। भैया ने मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का फोटा लगा दी, काले कपड़े से ओढ़ करके बोले बाबा ले दर्शन कर। जब उन्होंने एक झलक दर्शन कराया इतने में कृष्ण तो रो रहे थे, कृष्ण तो खिलखिलाकर हंसने लगे, और शंकर जी हंस रहे थे, शंकर जी रोना शुरू करते क्यों, प्रभु का दर्शन मिल गया। मैया बोली ये बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला का तो रोना लेकर के अपना हंसना दे दिया, अगर माताओं को पता चले ना ये बाबा कुछ देखना जानता है, तुम्हारे भविष्य तो देख सकते हैं, हाथ का रेखा देख सकते हैं ना। मैया सब घेर जाते, बोले बाबा मेरे बात क्या बताओ, भविष्य क्या होने वाले, मेरे छोरों को छोरी की कब शादी होगा, छोरा का नौकरी मिलेगा, पूरा पूरा घेर गए इसको भोले बाबा को। बोले बाबा तेरे कुछ आता है नहीं क्या, हाँ मेरे तो बढ़िया जादू टोना आता है, मैं सब बता सकता हूँ। बोले बाबा मेरे लाला को ना बड़े जल्दी नजर लग जाता है, कोई उपाय है। बोले अगर एक काम करोगे तो कभी नजर नहीं लगेगा। बोले बोड़ दे। बोले जब तुम लाला को स्नान कराओगे उसका जो चरणामृत है ना वो ला करके मेरे सर पर डाल देना। बोले और कुछ करना पड़ेगा। बोले और एक काम करोगे तो फिर नजर कभी लगेगा नहीं। बोले क्या करना बताओ। बोले अगर लाला की जो तुम भोजन कराओगे भोजन में जो प्लेट में बच जाएगा अगर तुम मेरे को ला कर दे देना, क्योंकि जब ठाकुर को कोई चीज भोग लगता है ना वो प्रसाद होता है, यही प्रसाद जब भक्तों की सेवा में, शंकर जी की सेवा में, हनुमान जी की सेवा में, माँ देवी की सेवा में लग जाए ना वो प्रसाद नहीं वो महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए ये 5,500 साल की कथा है। आप लोग नंदगांव कोई गए हो, नंदगांव, नंदगांव कौन गए हो, कोई भी गए, यदि नंदगांव जाओगे ना जो ऊपर देखोगे वो वहां पर श्री कौन है, श्री नंदीश्वर महादेव वहां पर है, शंकर जी पास में जब भगवान के स्नान कराया जाता है ना वो चरणामृत सीधा शंकर जी के सर पर डालते हैं। आपको पता होगा जो कांवर लोग होते हैं ना गंगा पानी ला करके शंकर जी के सर पर डालते हैं, गंगा कौन है बोलो, गंगा कौन है। जब वामन देव का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी भगवान की चरण को अभिषेक करके कमंडल में रखे थे, वही श्री गंगा देवी। बोले गंगा देवी की, गंगा कहाँ पर है, शंकर की जटा में, इसलिए शंकर जी संतुष्ट होते हैं। इसलिए कृष्ण का चरणामृत यही गंगा है, इसलिए उनको सबसे प्यारा प्रभु की प्रसाद है, हैं? जैसे लेकिन देखो एक चीज सीखो कर जाओ अच्छे तरह दिमाग में बैठा, जैसे शंकर जी को हो, हनुमान जी को हो, माता देवी को हो, कोई भी डायरेक्ट कोई प्रसाद इनको नहीं लगानी चाहिए। जैसे हनुमान जी, कुछ कुछ लोग क्या कहते हैं, तो हनुमान जी अगर हमारा काम बन जाए ना सभा मन की लड्डू भोग लगाए, हैं? फिर वो क्या करते हैं लड्डू लेकर के हनुमान को, हमने तो उनको मुंह में ठोसते हैं, बोले हनुमान खा लो, क्या हनुमान जी भूखे हैं तुम्हारे लड्डू खाएंगे, ऐसे समझो जैसे राम दरबार बैठता है हनुमान जी कहाँ बैठे हुए रहते हैं चरण में, ये चीज को समझो। जब तक प्रभु राम को कोई चीज भोग नहीं लगेगा, मैया जानकी जब तक नहीं खाएंगे ना
एक मन किया, 100 मन भी लड्डू हनुमान जी को सामने रख लो, हनुमान उस पर देखेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो राम की भक्त हैं। लेकिन अगर हनुमान को कुछ भोग नहीं लगाया, प्रभु राम को भोग लग गया ना, हनुमान लपक गया। क्यों? प्रभु राम को भोग लग गया, प्रभु राम का प्रसाद हो गया। उसी तरह जो शंकर जी, अब शिव पुराण पढ़कर देखो, शंकर जी के जो डायरेक्ट प्रसाद दिखाएंगे ना, वहां पर बताए कुत्ते जन्म लेना पड़ेगा तुमको। इसलिए कोई भी चीज शंकर जी को भोग नहीं लगाना, माता जी को पहले क्या करना है, पहले कृष्ण को राम को भोग लगा। शंकर ही तो हनुमान बन करके आए ना, और को नहीं। इसलिए पहले किसको भोग लगाओ, भगवान कृष्ण को, नहीं तो राम को भोग लगाओ। वो प्रसाद फिर माँ देवी हो, गणेश हो, शंकर जी को दो, बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो मांगोगे भोले बाबा को, भोले बाबा 100 देंगे। इसलिए डायरेक्ट ये देवा देवियों को कोई चीज डायरेक्ट भोग नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहले ठाकुर जी को, कृष्ण राम को लगाओ, फिर वो प्रसाद 33 करोड़ देवता को दो, वो ग्रहण करके प्रसन्न होते हैं। इसलिए अभी भी जाकर कभी जाओगे वहां पर, शंकर जी ठाकुर का प्रसाद के लिए अपेक्षा किए बैठे। वहां पर एक जोगिया कुंड है, एक शंकर ने 4-5 शंकर वहां देखे। वहां पर जोगिया कुंड है जहां पर शंकर जी अभी भी वहीं पर बैठे। वहां पर एक आशीश्वर महादेव देखोगे है, जिसको नंद बाबा परिजन बाबा पूजा करते थे है। इसलिए वहां पर शंकर जी को देखोगे, वही भगवान के प्रसाद आकर के भगवान को, शंकर जी को भोग लगता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री भोले बाबा की जय, जय श्री राम। अभी कृष्णा हो गए 3 महीना के, 3 महीना जब बच्चा हो जाए ना, अब देखना करवट लेता। कृष्णा करवट ले लिया, भैया तो बड़े खुश हो गए, लाला का शरीर में ताकत आ गया। इसलिए अपने आप बच्चा करवट ले लेता है। और वो तो राजा का बेटा, वो नंद बाबा सोचते हैं कोई एक बहाना मिल जाए और हम लोग कृष्ण की उत्सव करें। जब उन्होंने करवट ले लिया, मैया बड़ी खुश हो गई, अड़ोसी पड़ोसियों को सबको बुला दी, बोले आज लाला की करवट लेने का उत्सव घर में करेंगे। और अपना आंगनों को साफ सुथरा करके, जितने वहां पर दूध दही लेकर के दूर में बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया, और कृष्ण को स्नान करा के, देखना बच्चियों को जब स्नान करवा दिया थी, बोले अभी सब गोपियां आएगी घर में, कीर्तन होगा, नाचेंगे गाएंगे, लाला का कच्चा नींद नहीं टूट जाए, फिर इसको संभालू ना, इनको संभालू है। इसलिए उनको बैलगाड़ी को नीचे उन्होंने लेटा दिया, लेट करके सब ब्रज गोपियां बैठ करके बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, खिली तेरी पगड़ी रखताला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, Yeah.
तब कीर्तन कर रही थी, इतने में कृष्णा का नींद खुल गई और कृष्णा देखा मेरे लिए ये भजन हो रहा है, अरे मैं यही आनंद लेने के लिए गोलोक वृंदावन से आया हूँ और मेरे लिए उत्सव सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, लेकिन मेरे को क्या किया, ये उत्सव से अलग करके बैलगाड़ी को नीचे लेटा दिया। अभी कृष्णा भी सोच रहे हैं मैं भी थोड़ा कीर्तन में आऊं, मैं भी तो थोड़ा कीर्तन का आनंद लूं, लेकिन कृष्ण का भी उम्र कितना है, कितना उम्र है बोलो जोर से, 3 महीना। अभी 3 महीना में आज तो कृष्ण करवट, आज जिंदगी में पहला बार करवट लिया, अभी कृष्ण को घुटने पर भी चलना नहीं आता है। अभी कहते रोदन बाला नाम रोदनम बल, बोले बच्चों का बल क्या, बोले रोना। अब देखना बच्चे जब रोने लग जाए ना भैया को लगता है बच्चा को भूख लग गया है, बच्चे को दूध पिलानी चाहिए, बच्चे को रोना देख करेगी मैया गोद में ले लेती है, क्योंकि उनका रोना ही बल है। कृष्ण सोचा अगर मैं थोड़ी सी जोर जोर से रो लूँ हो सकता है मैया मेरे को उठा करके ले जाएगी। कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर तो जोर जोर से कीर्तन हो रही थी, मैया लेन देन में लगी हुई थी, अभी मैया को कहने में रोने का आवाज सुनने को नहीं मिला। कृष्ण सोचा भैया कितना रो, कितना तो रो लिया, रो रो कर तो गला ही बैठ गया। इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जो मैया कंस को दी और कंस ने उन्होंने एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम था सकटासुर। ये पूर्व जन्म में हिरण्याकश्यप का बेटा उत्कच था। एक दिन उसने लोमर से ऋषि के आश्रम में प्रवेश करके जितने पेड़ पौधा उन्होंने तसनस कर दिया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले भगवान इसलिए तेरे को इतने मोटे छोटे बनाए ठाकुर जी की संत की बांह को उजाड़ने के लिए, जा जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान तेरा शरीर ही नहीं रहेगा। वो देखते देखते उसका शरीर गायब होना शुरू हो गया, सारे नशा उतर गए, बोले बाबा मेरी अपराध हो गया माफ कर दो, संत बड़े दयालु होते हैं। बोले ठीक है, जब द्वापर युग में कृष्ण आएंगे उनका चरण स्पर्श से ही तुम्हें उद्धार मिलेगा। इतने में कंस ने भेज दिया सकटासुर को, सकटासुर ऊपर से आ गया, कृष्ण ऊपर देखा, देखा तो मामा जी आ गए, कंस मामा लगते हैं ना, और इनका संबंधी सब मामा लगते हैं, बोले मामा जी आ गए, मामा जी जरूर कुछ व्यवस्था करेंगे। इतने में सकटासुर का तो शरीर था नहीं, कृष्ण बैलगाड़ी को पीछे लेटे हुए थे, सोचा इसको पर सवार हो जाता हूँ और धीरे 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 क्या करूंगा, नीचे करते करते कृष्ण लेट रहे उसको मैं पीस डालूंगा। इतने में कृष्ण ने अपना जो नन्हे नन्हे चरण, कितना कृष्ण अभी कितना दिन की, केवल 3 महीना की, यहाँ पर शिक्षा देते हैं कृष्ण की चरण की, चरण की उनका जो बड़ा अंगुल है उनकी अंगुल में कितना शक्ति है। अभी उसको पहले पुतना को मारे, पुतना लीला में क्या शिक्षा दिया, कृष्ण की होठ में कितना शक्ति, केवल 6 दिन की बच्चे और इतने जो बड़ी राक्षसी को होठ में कितना शक्ति, होठ से उन्होंने पुतना को मार दी। और सकटासुर को केवल चरण की ऐसे ठोकर मारे, वो जो राक्षस उसको सवार था ना और ऐसे लगा एकदम जितने दूध दही सब बिखर गया, और उनका चरण की ठोकर लगते ही राक्षस तो वहीं पर धड़ाम कर गिरा और अपना प्राण को त्याग दे दिया। इतने में सारे गोपियां कीर्तन कर रहे थे, भागते भागते आई, आंधी तूफान कुछ है ही नहीं, पलटा तो पलटा कैसे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने नन्हे नन्हे बच्चे ने हम बताए भैया भैया, बोले कैसे पलट गया, बोले तेरे तेरे लाला की चर 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 की ठोकर से, लगता है बाबरे हो गए। लाला अभी 3 महीना की, आज का 3 उन्होंने करवट लिया और इसकी चरण की ठोकर से बैलगाड़ी पलट गई, मैया को विश्वास नहीं हुआ है। फिर मैया ने कान्हा को लेकर के फिर बीच में लेटा दी, लेटा करके फिर कीर्तन करना शुरू की, बोले जियो श्याम लाला जियो नंद लाला, बोलो दिली तेरी पगड़ी। इसलिए जब उन्होंने लेटा करके कीर्तन किया ना कृष्ण खुश हो गए, बोले पहले अगर मेरे को ले आते इतना नटखट थोड़ी करता, तुमने लाए नहीं मेरे को कीर्तन इसलिए किया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, शिक्षा ठाकुर जी क्या देते हैं, बोले देखो जगत में सबसे बड़े संपत्ति कौन है, बोले ठाकुर जी, ठाकुर का प्रेम ही जगत में सबसे बड़े संपत्ति, इससे बड़ा संपत्ति दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए महाप्रभु राय रामानंद से प्रश्न करते हैं, बोले बताओ तो संपत्तियों के अंदर में
सबसे बड़ा संपर्क किया है, बलराम जिसको पास में कृष्ण की, राधा कृष्ण की प्रेम संपत्ति है, जगत में सबसे बड़े कोई धनी है। इसलिए मीरा कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के रे मोरे मैं विक राम गली गली। कद जिन जिन यह मोती लोटे, वे सब बाला माल हुए, माया पे जो सने पुजारी, आज ये संसार हुए। सोना चांदी माया मोह, पीतल जाओ गली गली, कृष्ण नाम के हुए मोचे, ऐ विक राम गली गली। इसलिए ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, जगत में सबसे बड़ा संपत्ति ठाकुर का प्रेम ठाकुर है। अगर जिसको पास में ठाकुर है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, देखो ठाकुर जी को कृष्ण कीर्तन से अलग कर दिया, ठाकुर को अपना नहीं मान करके उन्होंने क्या किया, बैलगाड़ी को नीचे रख लेटा दिया और उसको ऊपर जितने खाने पीने का सामान रख दिया, मतलब भगवान को तो कर दिया नीचे और अपना जो सांसारिक वस्तु को उन्होंने ऊंचा रख लिया। फिर ठाकुर जी ने क्या किया, बोले मेरे को अलग कर दिया कीर्तन से। फिर ठाकुर ने ऐसे चरण की ठोकर मारे ना, पूरा बैलगाड़ी को उन्होंने पलटा दिया, सारे तसनच कर दिया। हाँ देखो माताएं, ध्यान देकर सुनो, इसकी शिक्षा को लेकर के जाओ। देखो इसकी शिक्षा है, जैसे घर में कोई उत्सव हो रही है, बच्चे का बर्थडे, नहीं तो शादी की सालगिरह हो रहा है, अब देखना हम तो सारे दुनिया को बुलाते हैं, घर में सारे दुनिया को बुलाएंगे, लेकिन जिसने तुम्हें लिए सब कुछ दिया है ना, उसके लिए कुछ नहीं। जैसे शादी की सालगिरह होता है, पति की पालन करते कि नहीं, नए नए कपड़ा लाते हो माता है, आज हमारे शादी की सालगिरह है, नया साड़ी पहने का, अगर पति को बोले हमारे लिए साड़ी ले आओ, पति बोलेगा तेरे पास में तो बहुत सारी साड़ी पहन लेना, मेरे पास में समय नहीं, अगर बहाना बनेगा ना, बोले अगर तुम्हारे पास में समय नहीं, मेरे को पैसा तो मैं ले आऊंगी, अपना मन पसंद ले आऊंगी। जैसे बच्चे का बर्थडे है, आप देखना क्या करते हैं, भले ही बच्चे का जितने कपड़े क्यों नहीं हो, एक नया कपड़ा लाते हैं, लगते कि नहीं, फिर परिवार वाले पता नहीं क्या क्या गिफ्ट देते हैं। लेकिन ठाकुर जी हमारे घर में जो मालिक बैठा हुआ है, एक कपड़ा पहनने के लिए 10 दिन तक पहना हुआ, उसका कपड़ा नहीं बदला, और खुद क्या करते हैं, दिन में दो बार कपड़ा बदला है, हैं? दो बार दिन में कपड़ा बदला रहे। भगवान कहते नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले देखो घर में ठाकुर के लिए कुछ है, अपना बेटे के लिए भी मत देखो, खुद के लिए भी मत देखो। एक्चुअली बेटा भी तुम्हें धोखे देने वाले हैं, तब तक तेरा बेटा ही, जब तक शादी नहीं हो जाएगी, शादी हो जाएगी ना, एक रात में स्त्री ऐसे एक मंत्र देगी, दूसरे दिन देखो बेटे का बुद्धि खराब हो गई, तेरी बात नहीं सुनेगी, हैं? तेरी बात नहीं सुनेगी, जो पैसा ला करके बड़ी मम्मी को देती है ना, उसको बाद में वो पैसा लगकर बड़ी मम्मी ने छोटी मम्मी को देगी, पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं देगी। हम तो बहुत परिवार देखे लास्ट में इतने लड़ाई झगड़ा करते हैं, पिता माता निकाल देते हैं, लेकिन ठाकुर जी ऐसे बच्चे हैं, जब भगवान की, जिस समय भगवान के अंगूठे कट गए, द्रौपदी ने क्या की, अपना साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी, भगवान रीझ गए ठाकुर जी, बोले इसकी रीढ़ी में कब उतारूं, जब भरी सभा में इसकी लाज जा रही थी, भरी सभा में उस समय महाभारत देखे कि नहीं, उसकी 5 पति थे, कितना पति थे, 5, तुम्हारे कितने पति, अगर किसकी आप देखना, अगर किसका एक पति हो लेकिन थोड़ा पैसा वाला हो, थोड़ी सी पैसे वाला नाम इज्जत हो ना, अरे इसका पत्नी छाती चौड़ा करके चलती है, अरे मेरे पति हैं, ऐसे पति मेरे कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन द्रौपदी के कितने पति थी उसी समय में, अर्जुन जैसे बड़ा कोई गांडीवधारी था, भीम जैसे गदाधारी कोई था, नकुल सहदेव जैसे तलवार युद्ध में कोई थे, युधिष्ठिर जैसे भाला युद्ध में कोई नहीं थे, लेकिन जब लाज चाहिए ना, कोई रखा क्या, कोई आकर के बचाया, कोई नहीं बचाया, बचाया तो किसी ने बचाया, बस कोई मुरली वाले ने बचाए, बोले हे गोविंद राम का शरण,
अंत जीवन हरि ठाकुर जी। मैं तो सोच रहा था ये सब कुछ ना कुछ बोलेंगे लेकिन कोई भी काम नहीं आए, लेकिन काम में केवल वही बुरे ही आने आए। इसलिए क्या करो, अपना बेटे को पहले बार देखो, असली बेटा ठाकुर है। पहले देखो ठाकुर के लिए कपड़ा है नहीं, पहले अपना लिए साड़ी मत देखा करो, मैं कितनी कितनी साड़ी नहीं, सबसे पहले देखो ठाकुर जी के लिए कुछ है नहीं। हाँ बोलो, बस ठाकुर के लिए तो 20 जोड़ी है और क्या पहनेंगे, 20 जोड़ी। अपना अलमारी में देखो, घर में कितना साड़ी लगा करके, कितने साड़ी बोलो, बताओ तो कितना साड़ी, बोलो कितना साड़ी होगी, कितने सूट सलवार होगा, पूरा अलमारी भरा हुआ होगा, तब भी हमें एक नया साड़ी चाहिए। हाँ नहीं तो पति को साथ में लड़ाई झगड़ा कर दोगे, हाँ नहीं तो पति को खाना नहीं दोगे, रोटी नहीं दोगे। इसलिए देखो, इसलिए भरी सभा में केवल उन्होंने उनका अंगुल को बैंडेज कर दी ना, ठाकुर जी अब महाभारत देखे कि नहीं, बोले 10,000 हाथी बल घटो, घटो ना 10 गज साड़ी है। इसलिए 10 गज 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिसको ठाकुर जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैठ गई। इसे ये लीला में ये शिक्षा दे रहे हैं, पहले ठाकुर को श्रृंगार करो, ठाकुर को सजाओ, पहले ये दुनियादारियों को लोगों को मत देखा करो, देखो पहले ठाकुर को सेवा के लिए कुछ है नहीं। ठाकुर खुद तो प्याज उसमें डाल दूर चकमाल घोट रहे हो और ठाकुर को थोड़ी बात आसने जो दूध रख दिया ठाकुर साहब, अब खुद खा रहे हो, जिसने सब कुछ दिया तेरे उसके लिए कुछ नहीं, नहीं पहले कृष्ण को देखो, ठाकुर के लिए कुछ होगी, ठाकुर के लिए भोग के लिए कुछ होगी नहीं। वो अगर संतुष्ट हो गए ना, बोले तस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, अगर वो खुश हो गया तो विश्व ब्रह्मांड खुश हो जाएगा, वो अगर खुश नहीं हो गया तो भैया सारा दुनिया को खुश को कुछ कुछ भी होने वाले तुम्हारी नहीं। इसलिए ठाकुर जी क्या कहते हैं, अगर मेरे को उत्सव से निकाल दोगे ना, ऐसे मैं चरण की ठोकर मारूंगा, सब तुम्हारी सत्यानाश कर दूंगा तुम्हारी। इसलिए पहले भगवान के लिए करो, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे कर जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। अभी कृष्णा और जब कृष्णा थोड़े से बड़े हुए, कितना बड़े हुए आप देखना, कृष्णा ने करवट ली, जब करवट लेता है ना आप देखना बच्चे को, वो अपने आप जैसे सांप जैसे घिसड़ घिसड़ चलता है, सांप रिंगता है, देखना बच्चे भी पेट के सहारा से धीरे धीरे कोई दूर का चीज देखे ना उसको पकड़ने के लिए कोशिश करता है, उसको पकड़ने के लिए कोशिश करता है। अभी कृष्णा अपना पेट के सहारा से चलना सीख गए, देखना उस समय बच्चा बड़ा चंचल होता है, बच्चे को रखने के लिए दिन भर को पकड़ना पड़ता है। अभी कृष्णा तो बड़े चंचल है ही है, इसलिए अभी कृष्णा सोच रहे घर थोड़ा बाहर जाऊं, लेकिन पहले हर घर में चौकट हुआ करता था, घर में चौकट देखेंगे नहीं चौकट है, इसलिए नंद बाबा के घर में बहुत ऊंचा चौकट था, कृष्णा भी चौकट को पार करना चाह रहे हैं, लेकिन कृष्णा तो छोटे बच्चे अभी तो घुटन पर भी चलना नहीं सीखे, आधा शरीर हो गया बाहर और आधा शरीर हो गया अंदर, हे कृष्ण एकदम लटक गए, जब लटक गए ना उधर भी नहीं जा पा रहे हैं और अंदर में भी नहीं आ पा रहे हैं, इतने में रोना शुरू कर दिया है, रोना शुरू कर दिया। उसी समय में नारद जी प्रभु को दर्शन के लिए आए थे, आकर के देखना ठाकुर जी लटकत भगवान, ठाकुर जी लटक रहे हैं, जिनकी नाम लेने से जी भव सागर से पार हो जाते हैं, ठाकुर जी एक चौकट भी पार नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस ये लीला को देख करके नारद जी बड़ी जोर जोर से हाँ 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 करके करके हंसे, फिर थोड़ी देर बाद में रोए, उनको साथ में जो ऋषि थे ना, बोले नारद जी पहले तो आप हंसे बाद में रोए, क्यों हंसे और क्यों रोए, बोले इसलिए मैं हंस रहा था, देखो ठाकुर क्या चौकट को पार नहीं हो सकते, जिनके नाम लेने से जी भव सागर से उधार हो जाए, फिर ठाकुर जी लटक क्यों रहे, बोले कारण है ठाकुर जी भक्तों को ये आनंद देना चाहते हैं और भक्त लोग ये लीलाओं को चिंतन करते करते वो लीला में ही वो डूब जाते हैं, इसलिए भक्तों का सौभाग्य को मैं सारा न करना, इसलिए हंस रहा हूँ, बोले रो रहे क्यों, बोले इसलिए रो रहा हूँ
लेकिन एक होते हैं ज्ञानी, और ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, भगवान निराकार है, उनके कोई आकार नहीं, रूप नहीं, इसीलिए प्रभु की लीला को स्मरण नहीं करते हैं। कहते उनका दुर्भाग्य को सोच सोच करके मैं रो रहा था। अभी ठाकुर जी थोड़ी सी बड़े हुए, जब बड़े हुए अभी ठाकुर जी धीरे 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 चलना सीखे हैं, ठाकुर धीरे धीरे चलना सीखे, जब चलना सीखे इतने में एक दिन मैया जसोदा ने क्या की थी, दोनों बच्चों को कृष्ण और बलराम, बलदेव प्रभु 15 दिन बड़े, कृष्ण 15 दिन छोटे हैं। जब कृष्ण चलना सीखे एक दिन मैया ने दोनों लाला को स्नान कराया, कंघी से बाल को ठीक करवाया, और बड़े सुंदर सर में हैं मणि से ठाकुर को सुंदर चोटी बना दी, और बड़े सुंदर नया कपड़ा धारण कराए, करा करके बोले तुम दोनों बालक खेलो, मैं घर की काम करती हूँ। इतने में कृष्ण बलराम सोच रहे हैं, बोले जब जब हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आ जाए, मैया क्या करती है, ये गोबर से और ये गोमूत्र से हमको स्नान कराती है। भैया गोबर गोमूत्र में क्या चीज, क्यों हमें स्नान कराती है? कोई पास में गाँव तो पास में गैया बंधे हुए थे, बोले चलो हम दोनों भाई आज ये गोमूत्र और गैया की गोबर से अपना शरीर को में लगाएंगे। कृष्ण बलराम गए, जाकर के जितने गोमूत्र गोबर था ना, पूरा शरीर को उन्होंने पोत दिया, और दोनों भैया बैठे हुए। भैया बोले ये दोनों दुष्ट गए कहाँ? बोले बनुआ बलुआ तुम दोनों कहाँ हो? बोले भैया हम यहाँ है। बोले वहां क्या कर रहे हो? जा करके देखा सारे गोमूत्र गोबर से सारा शरीर सना हुआ है। बोले अभी अभी तुम दोनों को स्नान करके श्रृंगार कराया, अब एक मिनट में सब बिगाड़ दिया। दोनों को कान पकड़ लिया, बोले इधर आओ, कान पकड़ के ले आए। बोले क्यों रे? बोले तुम पुतनारी तुम सुकरासी गते पुतनारी, बिल्लो मंगल जी कह रहे। बोले क्या तुम दोनों पूर्व जन्म में सुअर थे? वो सुअर क्या करते हैं, मिट्टी में कौन लोट पट खाते हैं, सुअर तो खाते हैं ना, क्या तुम दोनों पहले सुअर थे? कृष्णा अपना सर मिलाए। बोले भैया पूर्व जन्म तो हम सुअर थे, लेकिन तेरे को कैसे पता चला हम सुअर थे? यदि भगवान सत्य युग में भगवान बरहा अवतार, ये सुअर अवतार भगवान की छिड़काव करते हैं, पवित्र करते हैं। पहले अभी तो सब सीमेंट सीमेंट हो गया, पहले गांव में कौन रहने वाले थे? हाथ उठा तो गांव में कौन रहे? पहले ये गोबर मिट्टी से घर को किसने पोता लगाया कभी? पहले किसने पोता लगाया? आप लोगों ने लगाया बना रहे, उसको लगाओगे तो कभी भी तुम्हारी चमड़ा की कभी रोग नहीं होगी। गोमूत्र पान करोगे, जैसे भगवान को स्नान कराते हैं ना, उसमें गोबर और गोमूत्र को थोड़ी सी उसमें डालते हैं। अगर आप लोग इंटरनेट खोल कर देखोगे ना, उसमें जो कंडा बनती है, अभी अमेरिका में वहां पर कंडे बिकते हैं, तब कंडे को बिकते हैं और बहुत कीमती, जैसे यहाँ पर एक कंडा ना होगा ना, वहां पर तो 30-40 हजार रुपया ऐसी कीमत है, वो बिकता है। जैसे गोबर की कंडा में अगर कोई यज्ञ करे ना, उसमें गैया घी तो उसमें डाले, उसमें इतने ऑक्सीजन बनती है। अभी आपको पता होगा करोना कोरोना में बिना ऑक्सीजन के बगैर कितने लोग मर गए, ऑक्सीजन मिली नहीं। कहते ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? कहते कंडे की अगर हवन कोई करे प्योर घी से, उसे बहुत ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। इसलिए आज ठाकुर जी स्वयं गोमूत्र गोबर की महिमा को शिक्षा देने के लिए ठाकुर जी पूरा शरीर में, और हमारे जो गाँव, हम मैं भी अभी गाँव था, हमारे पहले तो गाँव में इतना साबुन टाबुन नहीं होता था, जानते हो कैसे स्नान करते थे? हमने देखा देसी गैया की गोबर को लेकर के साबुन जैसे करते ना, साबुन जैसे लगाते हैं, देसी गैया की गोबर से स्नान करते थे, और वो गोबर को लगाकर स्नान करना देसी गैया। अभी तो विदेशी गैया नहीं, देसी गैया नहीं, हम लोग कोई चर्म रोग कभी जिंदगी में नहीं होगा, इतने महिया महिमा गैया की गोबर से है। इसलिए हमारे गाँव में हर घर में कंपल्सरी लोग गैया रखते थे। क्यों? गैया का शरीर में 33 करोड़ देवता, जो गैया सेवा करती है ना, उसको क्या होता है जानते हो? घर में लक्ष्मी बैठती है, घर में लक्ष्मी आती है, हर घर में गैया खेती सब तो घर में गैया की गोबर से खेती होता है। अभी धीरे धीरे ये खेती भी खत्म होती जा रही है। क्यों? गोबर को छोड़ करके वो यूरिया फूरिया सब उल्टा पुल्टा सब मेडिसिन दे रहे हैं, इसलिए खेती भी कम ही हो रहा है। लेकिन जिस खेती में गोबर की खेती हो ना, कभी भी वहां पर फसल की कमी नहीं होगी।
जब भी फसल में। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है, अभी कोई गैया नहीं पालते, सब कुत्ते पालते। क्या पालते घर में? और घर को सामने क्या लिखते हैं? कुत्ते से सावधान। मतलब घर में कौन रह रहे हैं सब के सब? बताओ घर में कौन रह रहे हैं? कहते ना कुत्ते से सावधान। घर में फिर कौन रह रहा है घर में? इसलिए हैं, इसलिए शास्त्र ने बताया अगर किसी घर में कुत्ते हैं ना, आप पढ़ करके देखो महाभारत में, जिस समय ये पंच पांडव जा रहे थे स्वर्ग आरोहण कर रहे थे, उनके साथ में कुत्ता भी था, उनके साथ कुत्ता भी पीछे पीछे चल रहा था। वहां पर वर्णना किया है, जिसके घर में कुत्ता है ना, उसको घर में कोई देवा देवी को बुलाने पर भी नहीं आएगा। उस घर में कोई देवा देवी नहीं आएगी घर में। कुत्ता कोई चीज को देख लिया, कभी ठाकुर जी के भोग नहीं लग सकता है। घर में लक्ष्मी भी धीरे 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 खत्म होने लग चली जाएगी। इतने आप महाभारत को पढ़ कर देखना, इतने गाली वहां पर दिया कुत्ते को पालन करने वाले। कुत्ते का टाटी पेशाब इतने गंदी चीज होती जो सोच नहीं सकते, उसको जो छू लिया ना, ठाकुर को पूजा नहीं कर सकते, कोई पवित्र काम नहीं कर सकते, इतने खतरनाक है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, लोग अभी गैया की सेवा नहीं करके अभी घर में कुत्ते की सेवा कर रहे। इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी गोमूत्र और उन्होंने गोबर की महिमा को जगत में ठाकुर जी शिक्षा देने के लिए, ठाकुर जी आज गोमूत्र गोबर से ठाकुर स्वयं पोते हुए। ठाकुर जी बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की। अभी जब कृष्ण धीरे धीरे बड़े हुए, ये सब बच्चों का नामकरण करते हैं ना, हैं? अभी जिसको मुंह में जो आए उसी नाम से पुकारते हैं। अभी यहाँ पर गड़बड़ी क्या हुई, श्री नंद बाबा सोच रही कृष्ण मेरे लाला, और श्री वसुदेव सोच रही लाला मेरा, दोनों सोच रहे मेरे लाला, और दोनों के लाला है, हां? दोनों ने तपस्या की, ठाकुर जी आए। अभी गर्गत श्री वसुदेव महाराज सोच रहे हैं, अगर नंद बाबा अगर कृष्ण का नामकरण कर दिया, जब एक बार किसी बच्चे का कोई नाम हो जाता है ना, आप देखना घर में उसी नाम से बच्चे को बुलाते हैं, लेकिन बेटा तो मेरा है। अगर सांडिल्य ऋषि नंद बाबा का पुरोहित अगर नामकरण करेगा उसी नाम से पुकारेंगे, लेकिन लाला तो मेरे होंगे। एक दिन उन्होंने वसुदेव महाराज को बुलाए, बोले वसुदेव गर्गाचार्य, बोले गर्गाचार्य आप तो जानते हो लाला मेरा है, मैंने राता राते लेकर गोकुल में छोड़ करके आया, आप जाओ गोकुल में जाकर के वहां पर मेरे लाला का ऐसे एक नाम रखियो जो मेरे नाम से मिलता जुलता हुआ नाम। देखो ये जो नाम कर रहे हैं ना, एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है। हमारे भारत में अब तो हिंदू माता है, अब देखना शादी से पहले जन्म पत्री बुलाते हैं ना, कोई कहते ये मांगली, कोई कहते ये बोलते है ना, कोई जन्म पत्री मिला करके तो शादी करते है ना, लेकिन ऐसे करते थे। इसलिए ये जन्म पत्री मिला करके पहले शादी करते थे, क्यों? वो कौन सा नक्षत्र कौन तिथि में जन्म हुआ वो लिखा हुआ होता है पंचांग में, उनको जन्म पत्री में उसको मिलाते हैं, कितना कौन मिलता है, ऐसे शादी करते थे। अब देखना इतने पुराने सब माता है, कभी हमारे डाइवोर्स नाम सुना है? कभी डाइवोर्स का नाम तुम सुने हो? नहीं सुने। लेकिन हमारे भारत में पता है कितने डाइवोर्स हो रहे, सोच नहीं सकते, 30-40% हो रहा है। कारण क्या जानते हो? ये जन्म पत्र फलन पत्र मुझे नहीं मिलाते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, हैं? लव मैरिज कर लेते हैं, बस प्रेम करके शादी कर लिया, आई लव यू, फिर आई लीव यू, फिर आई किल यू, फिर जाकर कोर्ट में लाइन काटते हैं डाइवोर्स करने के लिए। इसलिए नामकरण संस्कार एक बहुत बड़ा संस्कार है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो रख करके गए ना, वह हमारे लिए अच्छे के लिए रख कर गए। अगर इसको पालन करते हुए करोगे, देखना संसार में बड़े आनंद में रहोगे, बड़ी शांति सुख में रहोगे, अगर ऋषि मुनियों की आदत को पालन करोगे। इसलिए नामकरण भी ऐसे नाम नहीं रखते थे, उसका जन्म पत्र देख करके एक अक्षर निकालते थे, वो अक्षर को पहले रख करके नाम होता था, बता देगा नहीं, ऐसे ही नाम होता था, ऐसे तो नाम होता है ना, तभी तो जन्म पत्र मिलती है, नहीं तो जन्म पत्र मिलेगी नहीं तुम्हारी। इसलिए श्री गर्गाचार्य वो बोले मेरे बेटा का ऐसे एक नाम रखो जो मेरे साथ में मिलता जुलता हुआ हो। गर्गाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, अहो भाग्य है, ठाकुर का नामकरण करेंगे, ठाकुर जी को गोद मिलेंगे, छोटे छोटे ठाकुर का चरण है, छोटे छोटे बच्चों को देखना क्या करते हैं, ताड़ी पकड़ते हैं, कपड़ा खींचते हैं, मेरे कितने भाग्य है जिन भगवान को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद कठोर तपस्या करते हैं, आज वो ठाकुर जी को गोद में लेकर के उसका नामकरण करता था। उन्होंने
कहां पर श्री गोकुल में आए। जब गोकुल में आए अब श्री नंद बाबा देख कर इतने प्रसन्न हो गए, बोले महातब चरणाम नीना ग्रीनाम दीन चेतसा निस्रसाय भगवान अन्यथा कल्पते कुछ। मतलब आज तक मेरा जीवन धन्य हो गया। क्यों? आज घर में संत आए हैं। संत लोग आएंगे तो क्या करेंगे? हरि कीर्तन करेंगे, हरि कथा करेंगे। आज जिस घर में भक्त लोग आते हैं कीर्तन कथा हो जाए ना, तद घर पवित्र हो जाता है। तद सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, पृथ्वी का सारे तीर्थ हो जाते हैं, घर का सारे अमंगल दूर हो जाता है। जिस घर में संत आकर कीर्तन करते हैं, संतों का चरण धूलि पड़े। नंद बाबा तो कह रहे हैं जिस घर में संतों की चरण धूलि पड़ जाए, हरि कीर्तन वो घर नहीं, वो तो भगवान की धाम है, गोलोक वृंदावन है। आज जिस घर में संत लोग नहीं आते हैं, वो कहते हैं जैसे एक बिल होता है, जिस बिल में जहरीले सर्प रहते हैं, वो घर में केवल सांप ही जहरीले सर्प, जहरीले सर्प क्यों? जिस घर में हरि की चर्चा नहीं, हरि कथा नहीं, केवल इधर उधर की बात, उल्टा सीधा संसार की बात, वो क्या है? इसलिए तब श्री नंद बाबा खुश हो गए और अपने आप बोल पड़े, जब आप कृपा करके आए हो हमारे लाला के नाम करने करा दो, तो इसलिए आए थे। अब श्री मैया जसोदा और श्री रोहिणी इन्होंने कृष्ण बलराम को लेकर के आए। पहले उन्होंने बलराम का नाम किए, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहित गुण। बोले ये जो बेटा है, बड़ा बेटा, ये जो रोहिणी का बेटा, ये बड़ा बलवान बनेगा, इसलिए उनका नाम होगा बल। लेकिन इसका नाम मतलब सबको ये आराम देगा, सुख शांति देगा, इसलिए इनका नाम होगा बल राम होगा। हैं? इसका एक नाम होगा शंकर शरण। बोले क्यों? बोले पहले देव की गर्भ में आए, जो माया आकर्षण करके इनको रोहिणी गर्भ में स्थापन की, और ये दोनों वंश में अगर कभी लड़ाई होगा ना, ये लड़ने नहीं देगा, दोनों को एक साथ में रखेंगे, इसलिए इनका एक नाम शंकर शरण होगा। बोले श्री दाऊ भैया की, बोले श्री बलराम प्रभु की, बोले श्री शंकर शरण की। अभी छोटा बेटा कृष्ण का नाम करने करेंगे, जब से गर्गाचार्य ध्यान लगाए ना, इनका ध्यान ही नहीं खुल रहा था। बोले क्यों? उन्होंने अनंत बट विश्व ब्रह्मांड को देखा, तो जगत में जितने नाम सब इन्हीं का ही नाम है। इतने में नंद बाबा तो व्याकुल हो रहे थे, उनको हाथ पकड़ कर हिलाए, बोले बताओ ना छोटा लाला का क्या नाम है। बोले तुम्हारे जो छोटा लाला है, बोले आसन वर्णास्त्र यस्य गृह्णात अनुयुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णतां गतः। बोले ये तुम्हारी लाला, ये हर युग युग में आता है, ये सत्य युग में है, ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेता युग में रक्त वर्ण धारण करके आया था, और कलि युग में श्री सचिदानंद गौर हरि होकर के श्री नवद्वीप धाम में प्रकट होंगे और सारा दुनिया में हरि भक्ति को जगत में प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन अभी तुम्हारी ये जो लाला है ना, ये कृष्ण रूप धारण करके आया था, आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की है, ये कृष्ण नाम होगा। बोले लेकिन तुम्हारे जो बेटा है ना, ये हर युग युग में आता है, इसकी इतने नाम, इतने महिमा, वेद भी जिसकी पता नहीं पाता है, इसलिए कहते ना हरि अनंत, हरि तथा अनंत। तब उन्होंने बहुत बहुत बात बता रहे थे, पहले कभी अकाल पड़ गया, तेरा बेटा आकर के सारे अकाल को दूर किया है, ये बेटा जुग जुग में अवतीर्ण होते हैं। जब इस बात को बता रहे थे, वहां मैया जसोदा भी बैठी हुई, बेचारी मैया जसोदा बूढ़ी हो गई, हर माताएं क्या सोचती हैं, जल्दी जल्दी लाला का शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, क्योंकि जब तक घर में बहू नहीं आती है तब तक माताओं को घर का सारे काम काज करना पड़ता है। लेकिन जब घर में बहू आ जाए ना, फिर माताओं को थोड़ी सी विश्राम मिलता, क्यों? बहू सारे काम को संभाल लेती है। इसलिए वो सोच रही थी ये पंडित कोई काम की बात नहीं बता रही, अरे तेरा बेटा ऐसे ऐसे, अरे इसमें क्या मतलब, ये तो बता बेटा का कितना बहू होगी, कहाँ शादी होगी, कैसे, इस बात तो बताए पंडित जी, ये तो काम की बात बताई नहीं, क्योंकि मैया जसोदा बूढ़ी उम्र में उनको बचा गई। बोले घर का काम करते करते बेचारे में बूढ़ी हो गई, इसलिए घर में बहू आएगी तब तक घर का साथ काम को संभालेगी। जब ये बोल रहे थे ना, श्री गर्गाचार्य एक श्लोक बोले, मैया तो बड़ी भोली वाली, संस्कृत पढ़ी नहीं,
देखो देखो एक श्लोक से दो अर्थ होता है। बोले बहुनी संति नामानी सुतस्य सतवापज, उन्होंने बताया बहुनी संति नामानी मतलब तेरे जो बेटा का बहुत नाम रूप गुण, लेकिन मैया क्या क्या अर्थ लगा रही थी, बोले सियाद बहुनी संति नामानी मतलब तेरे लाला का बहुत बहु है। भैया तो खुश हो गई, बोले भैया जितने घर में बहु है उतना तो सास की सेवा करेगी ना, अच्छी बात है। बोले नामानी रूपानी च, बोले कोई काली भी होगी और कोई गोरी भी होगी, कोई सावरना वरना की, बोले कोई बात नहीं, बहू से मतलब है। हैं सचमुच से कृष्ण जो वृंदावन में थे कितने गोपियां थी, 100 करोड़ गोपियों से प्रभु रास बचाए। कृष्ण जो द्वारका गए कितना 16108 पटरानियों से शादी हुई। हे भैया तो खुश हो गए, बोले बाबा अभी सही बात हो रही। लेकिन और एक बात बताए, बोले प्राग अयम वसुदेवस्य, वसुदेव महाराज जी बोलते ना ऐसे एक नाम रखना जो मेरे नाम को साथ में मिलता जुलता। बोले प्राग अयम वसुदेवस्य, तुम्हारी ये जो बेटा है ये पहले कभी वसुदेव का भी बेटा हुआ है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी नाम होगा, हमने वासुदेव का नाम रख दिया। बोले श्रिया कृत्यानुभावेना, है तुम्हारी जो बेटा है जो बेटा है वहां पर राधा रानी की जन्म उत्सव राधा रानी का भी उन्होंने नाम को ले लिया है, है? इसलिए बड़े सुंदर जब उन्होंने नामकरण कर दिया भैया तो खुश हो गई, और खुश होकर बढ़िया उन्होंने खूब दक्षिणा दिया, दक्षिणा देकर के उन्होंने उनका चरण में लेटा दिया। किसकी चरण में, गर्गाचार्य के चरण में, लाला दोनों का आशीर्वाद करो। वो तो डर गई, बोले कहाँ ठाकुर जी हम मेरे चरण में डाल गए। जब वह चले गए ना जो बड़ी बड़ी गोपियां थी इकट्ठे हो गई, बोले लाला का नाम क्या रखो है ज्योतिष, बोले बड़ा बेटा का नाम रखो बलदेव शंकर सन, और कृष्ण का नाम रखो, छोटा बेटा का नाम रखा कृष्ण। बोले नाम तो बड़े मीठो नाम है, लेकिन कृष्ण नाम देखना जब तक ये जीवा 3 बार टेढ़े नहीं हो जाएगा तब तक ये कृष्ण नाम नहीं निकलना है। बोले नाम तो बड़े अच्छे हैं, ये नाम तो जन्म पत्री में ये नाम रखा जाए, लेकिन घर का बुलाने के लिए और 2 नाम रख लेते हैं, बड़ा बेटा का नाम बलुआ और छोटा बेटे का नाम कन्नुआ। कन्नुआ और बलुआ ये दोनों नाम इसी नाम से बुलाते रहेंगे, इसलिए ब्रज में ये दोनों नाम से हर समय ब्रज बतिया कृष्ण को बुलाते हैं। बोले श्री कन्नुआ बलुआ की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बाजी बजा दे, वो देखा नाच को देखा, दरबारी माता ने आना, कोई देखो तो देश के आए बैठे लड़के आए ना, क्या गुस्सा में बैठे ऐसे लग रहा ना, तो कोई ताली मिलते ना कोई नाच रहे मेरे घर I'm
थोड़ी देर बाद में कहाँ हो रहे कि नहीं। देखो आज हमारे बड़े सौभाग्य का दिन है, हमारे बीच में श्री जीत प्रभु जी आए। इनको देखे हो किसी ने? कौन कौन जानते हैं? ये जो हमारी जो नैला मठ है 12-22 सेक्टर में, वहाँ पर जो हमारी मंदिर है, कहते प्रभु मंदिर का इंचार्ज है प्रभु, वो मंदिर को अच्छे तरह से देखभाल करते हैं और उनकी सेवा अच्छे तरह से सेवा शुश्रूषा करते हैं मंदिर को, इसलिए ये, लेकिन ये है तो गुजर के गुजर बन सके, लेकिन ये झुंड पूरा है, पूरा इनको खुद तो भजन किया है लेकिन पूरा झुंड पूरा वासियों को भक्ति में लगा दिया, पूरा झुंड पूरा भक्तों को भक्ति में लगाए और सबको सबको साथ में बड़े प्रेम व्यवहार करते हुए हैं, सबके साथ बहुत अच्छे व्यवहार करते हुए, सबके साथ में बड़े मीठी व्यवहार करते हुए मंदिर को चला रहे हैं, मंदिर को परिचालना करते, बच्चों को भगवान की सेवा में लगाते, इन्हीं की वजह से वो मंदिर चल रहा है, इसलिए इनकी वजह से मैं पूरा निश्चित हूँ, क्योंकि प्रभु जी उसी मंदिर को देखभाल कर रहे हैं प्रभु जी, इसलिए ठाकुर जी गुरु जी इनको आशीर्वाद करें, गुरु जी इनको बड़ी कृपा करें, खूब भक्ति करें, दूसरों को भी भगवान की भक्ति में प्रभु जी सबको लगाए। आप अभी प्रभु जी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, देखो माइक दे, दामोदर आ जाओ अंदर में, दामोदर जी पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रयन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरह कातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया तर्भुवभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीर्ये तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपं भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृन्द। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आप और एक बार सबके सब जोर से बोलो हरे कृष्णा कृष्णा
सबसे पहले मैं अपने गुरु पाद पर नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपानु गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हमारे मंच पे आसीन पूज्य पाठ श्री भक्ति वेदांत श्री दरगुरु श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रभु लोग सभी के चरणों में देवता योग दंडक प्रणाम करता हूँ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं और आप देखेंगे कितना आनंद आ रहा है यहाँ पर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक लगभग। जब महाराज जी यहाँ से चले जाएंगे जब पता लगेगा कि इस समय में कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। अभी जो आनंद आ रहा है ना और जो परिवार करा रहे हैं हमारे राजेंद्र प्रभु जी कुसुम माता जी इनको तो इतना घर में इतना उत्सव है और ये कई महीने से तैयारी कर रहे थे बीच में प्रोग्राम था किसी कारणवश कोरोना के कारण बढ़ने के कारण पीछे आगे हो गया था। फिर इनकी इच्छा थी सद्भावना थी बहुत भगवान ने इनकी सुनी और ये प्रोग्राम हुआ तो इनका तो बहुत ही आनंद है। घर में पूरा दिन महाराज जी की सुबह सेवा मिल रही है दोपहर से शाम को और बहुत ही आनंद है। कैरडा वासी आप लोग भी बहुत सुबह सौभाग्यशाली हैं लोग धाम भी नहीं जा पा रहे आजकल घर में ही श्रीमद् भागवत कथा आ गई सब सारे तीर्थ हमारे वैष्णव लोगों ने महाराज जी ने कथा सुनाई थी जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ समस्त तीर्थ समस्त ऋषि मुनि समस्त संत लोग वहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं। गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी जलेश्विनी सारे ऋषि मुनि नव योगेंद्र सब लोग यहाँ पर विराजमान हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं यहाँ पिछले 6 दिनों से कथा सुन रहे हैं। भगवान का जन्म अष्टमी मनाई राधा जी का जन्म मनाया गिरिराज जी की पूजा मनाएंगे तो कल भी भागवत के सुंदर सुंदर उपदेश सुनेंगे। महाराज जी ने मेरे को आदेश दिया है कि जो महाराज जी का प्रिय एक शिक्षा प्रद एक कहानी है उसे सुनाने के लिए वो तो है तो कहानी परंतु वो बहुत ही हमारे जीवन को बहुत ही बदलने वाली है। महाराज जी का ऐसा मानना है और ऐसा है भी महाराज जी जहाँ भी ये कथा सुनाते बहुत लोग परिवर्तन हो जाते हैं। तो मैं भी इसी कहानी को महाराज जी के आदेश के अनुसार स्मरण करूँगा कि इसमें ध्यान से सुनना आप लोग और ये हमारे जीवन को बहुत ही बदलने वाले कुछ लोग पुराने वो जानते कुछ नए भी लोग हैं। तो हर भागवत कथा में महाराज जी कथा सुनाते हैं हर कथा में जितने क्योंकि ये बहुत ही हमारे जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाने वाली है। तो आप लोग ध्यान से सुनना मैं बीच बीच में पूछूंगा भी आप लोग आंसर देना फिर तो आनंद आएगा कथा को सुनने। एक राजा की कितनी 4 रानी कितनी ध्यान से सुन रहे एक राजे की 4 रानी थी। तो राजा तो पहले रानी को राजा बहुत प्रेम करता था उनको अपने सारे हृदय की बातों को बताता था सब उसको जो उसको वस्तु प्रिय होती उसको ला के देता था। तो कुछ भी हो जब वो डिमांड करती थी रानी ये ला के आओ वो लेके आता था अभी उन रात को उठ के लाओ शाम को उठ के लाओ सुबह उसको जो वो डिमांड जब भी इच्छा करती थी तभी वो राजा उसकी बात को सुनता था। तो पहली रानी को राजा बहुत प्रेम करता था। तो दूसरी जो रानी थी 4 रानी थी सुना दूसरी जो रानी थी उस रानी के अपने जो हृदय की बात वो उसको बोलता था सारा और सारा जगत बड़ी सुंदरी रानी थी बहुत सुंदर थी वो और जहाँ भी जाता था शादी में पार्टी में उसको लेके जाता था और सबको दिखाता था देखो क्या है मेरी ये रानी है पत्नी है कितनी सुंदर है देखा और सबको देखते थे और हैरान हो जाते थे। और जो तीसरी उनकी रानी थी तीसरी रानी से वो अपने हृदय की बातों को बोलता था मंत्रणा जो आदि आदि वो देता था तीसरी रानी को अपने हृदय की बातों को बोलता था और बड़ी मीठी मीठी बोली बड़ी मीठी मीठी बातें बोलता था सारी बातें बोलता था और रानी भी उसको साथ बातें उसके साथ शेयर करती थी। और जो चौथी रानी थी तो उसको कभी वो पूछता ना जिस दिन से शादी होकर आई है ना उसको साड़ी पूछा ना बिंदी पूछा ना उसको कभी घुमाया। और जो चौथी रानी थी वो उसको प्रेम करने वाली थी। 3 रानियों का अपना अपना स्वार्थ था
पर वास्तव में जो चौथी रानी थी वो उसको बहुत प्रेम करता था। चौथी रानी राजा को प्रेम करती थी, वो किसी भी कारण से उनका कोई लोभ नहीं था, लालच नहीं था, परंतु राजा उसको पूछता नहीं था। और चौथी रानी बहुत समय से इंतजार कर रही थी राजा को पता लगेगा कि पहली रानी प्रेम करती है कि नहीं, दूसरी करती है कि नहीं, तीसरी करती है कि नहीं। तो ये तो चार रानी थी, तो चार रानी में अभी मैंने बताया, तो पहली रानी है जिसको ये हम सबकी कहानी है, जिसको हमारे सबकी चार रानी है, जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जब इच्छा होती है उसकी इच्छा से अनुसार हम जाते हैं। कौन ऐसी रानी आप लोग बताओ? देखो जो चार रानियाँ थी ना, अभी जो चार रानियाँ थी, अभी राजा का अंतिम समय आया संसार छोड़ने का। अब राजा सोच रहा है मेरी चार चार रानियाँ हैं, इनसे मैं प्रश्न करके पूछता हूँ कहाँ कौन कहाँ तुम मेरी साथ देगी। इसलिए सबसे बड़ी रानी से पूछा हैं, बोले तुम मेरी साथ में चलोगी? बोले तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलोगी। बोले क्यों? जो जिस समय तुम जो मांगती थी मैं तेरे को वही चीज़ देकर खुश रखता। बोले ये तेरा कर्तव्य था? बोले तेरी, बोले मेरी तेरी प्रति कोई कर्तव्य नहीं। राजा तो बड़ी दुखी हो गया। बोले जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था पहला तो क्या। अब दूसरी रानी कौन थी? जो सबसे सुंदरी, राजा जिसको दुनिया में दिखाया करते देखो ये रानी मेरी कितनी सुंदरी कितनी प्यारी। तो उससे पूछे बोले तू क्या करोगी, चलोगी साथ में? बोले चलोगी क्या, मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। और दूसरे से क्यों शादी कर? बोले देख मैं कितनी सुंदरी, पहले ही तो मैंने दुनिया को दिखा करके रखा है, इसलिए मैं तो जहाँ जाऊँगी तो वो पसंद कर लेगा। राजा को प्यार करने से जमीन किसने लिया? बोले क्या कह रही, ये देख रही हूँ मैं कब मरूंगा, मैं शादी करेंगी। अब तीसरी नंबर रानी आई, तीसरी कौन थी? जिसको अपना मन की बात और जिसकी मीठी मीठी बोली सुनता था। बोले तू क्या करोगी रानी? बोले वो थोड़ी अच्छी दिखी। बोले चलोगी तेरे साथ में लेकिन दरवाजा तक चल सकते। बोले दरवाजे तक चलना कोई चलना है? बोले ज्यादा बोलोगे ना वहां से चार कदम आगे बढ़ सकते हूँ, लेकिन तेरे साथ में चलने वाले नहीं। बोले ठीक है। अभी चौथी नंबर रानी आई, जब चौथी नंबर रानी आई राजा जिसको कभी पूछता नहीं था तेरे पास में सारी साबुन तेल है कि नहीं, पहले तो सोच लिया इसको पूछू कि नहीं पूछू, मैं पूछू कि नहीं पूछू। बोले जब रानी एक बार पूछ करेगी देख लेता। राजा ने पूछा साथ में चलोगी? रानी बोली तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? जब से तुमने मेरे को शादी करके लाए हो कभी तुमने पूछा भी है मेरे पास में साबुन तेल सोडा है कि नहीं? जिंदगी में पूछा नहीं, मरते समय पूछ रहे हो तुम मेरे साथ में चलोगी है? राजा बोले मैं तो पूछना ही नहीं चाह रहा था, सोचा एक बार मैं पूछ कर देख लेता इसलिए मैंने सोचा। उसने बोला राजा तेरे को मैं सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ है, इसलिए तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी दुख में दुखी बनूंगी, और बिना खाए पिए तेरे को खिलाऊंगी, जीवन दे करके सफा करूंगी। राजा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, जिनके लिए मैंने जीवन दिया कोई जाने के लिए तैयार नहीं, और जिसके लिए कुछ नहीं किया वही जाने के लिए तैयार। अभी प्रभु जी बताएंगे ये जो चार रानियां हैं ये कौन कौन है, अभी इसका रहस्य प्रभु जी बताएं। बोलो। तो पहली रानी जो है, पहली रानी को जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था राजा, हम भी हमारे भी चार रानी है, हम किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसके कहने से हम लोग सब कुछ करते हैं, तो जब इच्छा होती है उसकी बातों को मानते हैं, जो वो कहता है वो चलते हैं। तो पहली रानी कौन है बताओ? पहली प्रभु जी कह रहे हैं पहली रानी है शरीर। शरीर जो है हमारी पहली रानी है, जब भी हमें गर्मी लगती है हम एसी चलाते हैं, हाँ सर्दी लगती है तो हम लोग हीटर और इसको साबुन से साबुन लगाते हैं, जब भी शरीर में स्मेल आती है साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, गोलगप्पा खाते हैं, चटपटा खाने का मन हुआ तो गोलगप्पा खाते हैं, मीठा खाने का मन हुआ तो मीठा बनाते हैं। जब भी शरीर को जो जो डिमांड होती है हम लोग क्या करते हैं वो पूरी करते हैं। तो जब भी हम सबसे ज़्यादा शरीर को प्रेम करते हैं, अगर कोई संकट भी आया, कोरोना आ रहा है ना, कोरोना में अगर किसी को भी हो जाए ना, कोरोना भी हो जाए तो लोग सब लोग भाग जाएंगे यहाँ से, क्यों? क्योंकि हमको ना हो जाए, क्योंकि हम शरीर को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। पर जब उन्होंने पूछा
राजा ने, राजा का अंतिम समय आया तो राजा ने कहा तुम मेरे साथ चलोगे, तो क्या बोला शरीर ने, मैं तुम्हारे साथ क्या एक कदम भी नहीं चल सकता, क्योंकि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो क्या शरीर तो यही रह जाता है, शरीर तो साथ जाता नहीं, आत्मा निकल के जाती है। तो पहली रानी है जिसके लिए हम सारा कार्य कर रहे हो, क्या है, शरीर है। दूसरी रानी क्या है, जिसको सब जगह दिखा जाता राजा, कि जहाँ पार्टी में लेके जाता था और जहाँ भी जाता था सबको दिखाता, बड़ी सुंदरी जो रानी थी वो क्या है, जैसे हम लोग जाते हैं ना कहीं भी जाते हैं, कोई गाड़ी में मर्सिडीज गाड़ी है, किसी के अंदर होंडा सिटी गाड़ी है, किसी के अंदर कुछ है, या कोई शादी में जाते हैं ना ज्वेलरी पहन के जाते हैं, सोना पहन के जाते हैं ना, दिखाते देखो भाई हमारे पास भी क्या बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के जाते हैं, और हमें कोई देखता नहीं है ना तो कहते आज साड़ी कैसी लग रही, ठीक नहीं लग रही, मतलब कोई ध्यान ना दे ना, हर कोई बोल दे रहे आप तो बड़ी महंगी साड़ी पहनी है आपने, तो ठीक बात है, अगर नहीं कोई पूछता नहीं है ना तो ठीक नहीं लग रही ना, तो हम लोग ऐसे करते हैं। तो हम लोग क्या है, सबकी ऐसी बात है, हम लोग दिखाते हैं कि क्या ये धन है, पर जब राजा हम लोग चले जाएंगे, जब हम पूछेंगे हमारे साथ चलेगा धन, तो धन क्या है, एक कदम भी दूसरा नहीं बोला ना, क्या हुआ, दूसरी शादी कर लेंगे, तो आपका जो धन है तो धन तो दूसरे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, माँ है तो माँ के, पति मरेगा तो पत्नी के नाम हो जाएगा, पत्नी मरेगी तो बच्चों के नाम हो जाएगा, नहीं तो पड़ोसी लोग लूट लेंगे, जैसे कोई शरीर छोड़ते ना, पहले तो ऐसा होता था सोना चांदी भी माताओं के साथ जाता था, उसको संस्कार कर देते थे, अभी देखो माता अगर बहुत बूढ़ी माता भी होंगी ना बहुत रोएंगी, रोते रोते बोलेंगी, जब एकदम शरीर को लेके जाते ना, या कोई भी कहने अरे उसे सोने का कुंडा तो निकाल लो, देखा ना, हैं, हाँ पहले जमाने में होता था ना, उस सोने का कुंडा ला चांदी है कोई नहीं, दुल्हन भी मरेगी तो उसको साथ ही जला देते थे, सोने के साथ ही कर देते थे, पर आजकल क्या है, आजकल नहीं करते, बोलते क्या है, अरे देखो उसकी जेब में मैंने 500 रुपये रखे थे, वो भी देख लेना जब कपड़ा बदलो तो, और उसके कुंडल है एक, और उसके क्या है नाक में बेसर है वो भी निकाल लेना है, और पापा जब बीमार होते हैं ना, बहुत बीमार है आईसीयू में, तो कहते पिताजी कुछ हो तो बता दो, किसी के पास कुछ हो तो बता दो, कहीं रखा हुआ है क्या नहीं, तो हम प्रेम तो करते पर वो क्या है धन है जिसके पीछे हम भागते हैं रात दिन, सारा कमा रहे हैं वो तो साथ जाएगा नहीं, तो वो क्या दूसरे के नाम हो जाएगा, बच्चों के नाम हो जाएगा, या बच्चे जिसके लिए होंगे तो उसे पड़ोसी ले लेंगे, या लूट मार हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो धन हमारे साथ एक, हमारे साथ क्या है नहीं चलेगा, वो क्या दूसरे के नाम हो जाएगा, दूसरे शादी कर लेंगे। रानी कहती है ना मैं तो इंतजार कर रही हूँ तुम कम मरोगे, मैं दूसरे शादी कर लूँगी, और मेरे को सब चाहते, देखो मेरी कितनी सुंदरी हूँ मैं, तो क्या है धन कौन नहीं चाहता, धन को हमेशा डिमांड है, धन को सभी ले लेते हैं। अगर ऐसा धन ऐसी चीज है, यदि नाली में भी गिर गया ना सोने का कुंडल, निकालोगे कि नहीं, इधर नाली है निकालोगे, ये धन ऐसी है, धन कहता है मैं दूसरी शादी कर लूं, मेरी डिमांड है, मेरी इतनी डिमांड है, अगर मैं नाली में भी गिर जाऊंगा वहीं भी मेरे को इतनी डिमांड है, हर कोई निकालने के लिए तैयार हो जाएगा, तो सब लोग निकाल लेंगे, तो ये भी हमारे साथ धन नहीं जाता। तीसरी रानी क्या है, तीसरी रानी जो है जिसके साथ राजा अपने दिल की बात कहता था, वो रानी क्या है, हमारी पत्नी है, सगे संबंधी है, रिश्ते नाते आदि आदि है, ये तीसरी रानी है। अगर इनसे पूछे तुम हमारे साथ चलोगे, तो हमारे समाज में क्या होता है, जो पत्नी तो द्वार तक गेट तक जाती है, चाहे कितना ही वो मारो पीटो लोटो वो जहाँ तक जाती है, सगे संबंधी जो पुरुष होते हैं वो शमशान घाट तक जाते हैं, वहाँ जला के टाटा टाटा करके आ जाते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं जाते। तो तीसरी जो रानी है जिनके साथ हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी समय व्यर्थ कर रहे हैं, इतना समय लगा रहे हैं, वो भी हमारा साथ देने वाले नहीं है। अभी क्या हुआ, नोएडा की बात है, सेक्टर 41 की, एक माता जी को कोरोना की खबर पड़ी, कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो उनके पोते उनको जमा वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करा के आ गए, और उनके जो माता पिता थे वो विदेश में थे, आपने सुना होगा न्यूज़ में आई थी बात, तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, फिर कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो हॉस्पिटल से फोन आया
कि आप इनको लेके चले जाओ, कोई तुम्हारी बहुत बड़ी कोठी है उनकी, 1000 गज की कोठी है, कम से कम भी कई करोड़ों की कोठी होगी, बहुत पैसा है। तो उनसे बोला कि तुम्हारी जो दादी है उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, आप इसको लेके चले जाओ। उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, पहले फ़ोन काट दिया और फ़ोन नहीं उठाया। तो डॉक्टर लोग आए, बार बार पुलिस को लेकर आए, भाई उन्होंने अपना घर नंबर बताया, उस माता को लेकर आए, ये मेरी कोठी है सेक्टर 41 में, इतना इसका नंबर है। जब वो लेकर आए बैल बजा रहे, वो बैल ही नहीं, वो गेट ही नहीं खोल रहे, कह रहे हम गेट नहीं खोलेंगे, हमको नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट कर लो। विदेशों से माता पिता फ़ोन कर रहे हैं, जो उनके सगे माँ बाप है, कि बेटा तुम गेट मत खोलना। तो पुलिस ज़बरदस्ती आई है, गेट का ताला तोड़ा है, फिर उनको लेके गई। तो जिनके लिए हम इतना समय दे रहे हैं, इतना एनर्जी दे रहे हैं, वो काम आने वाले हैं। तो इसलिए हमें क्या है, ये कहानी क्या सिखाती है, सारे हम तीन ही काम कर रहे हैं, धन के लिए पीछे पड़ रहे हैं और रिश्ते नातों को दिखा रहे हैं आदि आदि, शरीर के लिए सजा रहे हैं, रहे हमारा 8-10 घंटा तो शरीर के लिए लगता है। शॉपिंग करने में हम मार्केट जाएंगे 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, सुनार की दुकान में जाएंगे 2 घंटा लगा देंगे, साड़ी की दुकान पर जाएंगे हम 2 घंटा लगा देंगे, और कहाँ कहाँ जाएंगे कितना घंटा लगा देते हैं। तो इसलिए हम सारा जीवन इसमें ही व्यतीत कर रहे हैं। जो चौथी रानी है, चौथी रानी जो है जिसको राजा शादी करके लाया और कभी इसको देखा नहीं, वो कौन है, वो भगवान की भक्ति है, भगवान है, वो हमारे हृदय में बैठे हैं भगवान, और वो बहुत निकट है, भगवान हमारे इतने निकट है, कोई भी हमारे निकट नहीं है, है ना। इसलिए क्या, कितने निकट है भगवान हमारे, हमारे जो पति है वो भी नौकरी करने के लिए जाते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं, हमारी जो पत्नी है वो भी कभी माई के चली जाती है, या कभी कहीं चली जाती है, कभी किस काम में, वो भी दूर चली जाती है। हमारे बच्चे जो हैं वो भी हमें छोड़कर कभी हॉस्टल चले जाते हैं पढ़ाई के लिए, कभी विदेश चले जाते हैं, या कभी पूरा छोड़ के अपनी पत्नी को लेके चले जाते हैं। तो हमारे जो सगे संबंधी हैं वो भी हमसे दूर चले जाते हैं, जो हमारे जिनके लिए हम एनर्जी दे रहे हैं, पर भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं, वो 1 सेकंड के लिए भी कभी छोड़ के नहीं जाते, इसलिए और हम उनकी तरफ कभी देखते नहीं, और वो हमें बहुत जन्मों से हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो मेरी तरफ देखेगा, है ना। वो हमारे हितेशी हैं, वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं और वो हमारा वेट कर रहे हैं बहुत जन्मों से, इसलिए कहते हैं उनकी तरफ हम देख नहीं रहे। इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, से संबंध नाही जार वृता जन्म गेल तार, से ही पशु बड़ा दुराचार। से संबंध नहीं जार मतलब बताते हैं, मैंने उस प्रभु से अपना संबंध नहीं बनाया जो मेरे बड़े निकट है, मुझको प्रेम करने वाले हैं और मेरे को कई जन्मों से इंतजार कर रहे हैं, उनसे मैंने संबंध नहीं बनाया। और मैंने बहुत संबंध बनाए, फेसबुक पे मेरे इतने संबंध है, व्हाट्सएप पे मेरे को इतना है, यूट्यूब पे मेरे को इतना लाइक कर रहे हैं, हैं बहुत संबंध बनाए, कोई काम आने वाला नहीं है। सिर्फ एक प्रभु से आपने संबंध नहीं बनाया तो आपके सारे जितने भी संबंध बेकार है, जो लाइक कर रहे हैं ना वो ऐसे पीछे हटेंगे, आप सोचेंगे आएगा ना, सारे आपको पीछे हट जाएंगे, माता पिता बच्चे पीछे हट रहे तो कौन सगा संबंधी काम आएगा, फोन भी नहीं उठाएंगे आपको काम आने पर। तो इसलिए हमारे जो भगवान है और भगवान की भक्ति है या भगवान का नाम है, ये जो भगवान का नाम है यही हमारे काम आने वाला है। तो उसको हम कितना समय देते हैं, गुरु जी कहते हैं, महाराज जी बोलते हैं कि 2 घंटा भगवान का नाम करो, 24 घंटे में 2 घंटा दो भगवान को और 22 घंटे आप अपना काम करो, पर हमें 2 घंटे भी टाइम नहीं है। हम 24 घंटे में 3 रानियों के पीछे भग रहे हैं, जो एक भी रानी काम आने वाले नहीं है। जो चौथी रानी है जिसको थोड़ा भी समय दे दोगे, भगवान इतने दयालु हैं, इतने शक्तिशाली हैं, उनको देखो कुब्जा कुबड़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, उन्होंने उसको चंदन लगाया, थोड़ा सा चंदन लगाया तो वो तो रीच गए भगवान। और जो वो रोज कंस को चंदन लगाती थी, कंस ने उनको कुछ नहीं दिया, पर क्या किया, चंदन लगाने पर भगवान रीच गए, और कुबड़ी को भगवान ने अपने पैर से स्पर्श किया और पीछे से हाथ लगाया, उसको विश्व सुंदरी बना दिया, कुब्जा को विश्व सुंदरी, वहाँ मथुरा की सबसे सुंदरी उनको बना दिया। द्रौपदी ने क्या किया, भगवान को पट्टी बांधी, सिर्फ पट्टी बांधी उंगली पे, और भगवान का कह रहे मैं कैसे द्रौपदी तेरा ऋण चुका पाऊंगा, कैसे ऋण चुका पाऊंगा, और पूरे जीवन भर द्रौपदी के लिए भगवान ऋण चुकाने के लिए इंतजार करते लिए। एक समय आया द्रौपदी को संकट आया, भगवान 56 भोगों को द्वारका में छोड़कर द्रौपदी की रक्षा के लिए भागे हैं। और विदुर जी ने क्या किया, केले के छिलके उनको खिलाए,
और विदुर जी का एहसान कभी भूले नहीं, कैसे प्रभु हैं, कोई थोड़ा सा उनके लिए करो कभी एहसान नहीं भूलते। अब बच्चों को पाल लो उसके बड़ा करो छोड़ के चले जाते हैं, पति भी दूसरी शादी कर लेते हैं, पत्नी भी चली जाती है, नहीं भी जाते तो बच्चे तो पक्का ही चले जाते हैं, पर जो भगवान है थोड़ा करो कभी जाते नहीं है। तो विदुर जी को बोले अंतिम समय में कि मैथिली जी को बोले देखो विदुर जी ने मेरे लिए इतना किया था, मैं विदुर जी को कुछ दे नहीं पाया, तुम विदुर जी को मेरा गुह्य ज्ञान देना जो मेरा ज्ञान है मैं अपने प्रिय भक्तों को देता हूँ। जब मैत्री जी ज्ञान लेकर आए विदुर आनंदित हो गए। तो भगवान क्या है, भगवान में बुढ़ापे में भी याद करोगे, कभी सारा जगत छोड़ देगा जब भी याद करोगे तो वो हमें कभी भूलेंगे नहीं। और जगत के लोग क्या है, जब तक आपके पैसे हैं तो लोग कहते हैं आप कैसे हैं, पैसे कौन आप कौन, तो लोग जब तक आपके पास सुंदरता है जब तक लोग पूछ रहे हैं, जब आप थोड़ा चेहरा जल जाएगा कुछ हो जाएगा कोई पूछने वाला नहीं है, आपको रोग हो जाएगा कोई सेवा करने वाला नहीं है। इसलिए बुद्धिमान का काम क्या है, हम भगवान की शरण में जाए, उस प्रभु को पुकारें जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं बड़े निकट है, और वो भागवत के रूप में आए हैं, वही संत के रूप में आए हैं। भगवान जब किसी पे कृपा करते हैं तो वो संत के रूप में आते हैं, तो महाराज के रूप में वो प्रभु आए हैं, श्रीमद् भागवत के रूप में आए हैं, और यहाँ पे विराजमान है, आप उनकी बातों को सुनो और अपने जीवन को क्या बनाओ, सफल बनाओ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गुरु महाराज की जय, ताई गौर विनोदे लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक बार हाथ उठाओ, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 और एक बार जोर से हाथ कर रहे हो, बोलो हरे कृष्णा 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 कृष्णा। माता जी बैठ जाओ, आगे आ जाओ बैठ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो आप लोगों ने चार रानियों की कथा सुना ना, कौन सा रानी अंतिम समय में काम आई, चौथी रानी। चौथी रानी कौन थी, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, ये चौथी रानी है। लेकिन कोई भी उनकी साथ में आई नहीं, लेकिन लास्ट में ये चौथी रानी आई। मतलब क्या है, चल ये चौथी रानी है भगवान का नाम, भाई भगवान की भक्ति है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को बोलो, बोलो भैया थोड़ा भगवान का नाम जप करो, भगवान की थोड़ा भक्ति करो, प्रभु का नाम जप करो। राजा क्या करता था, उसका तरफ में कभी उन्होंने झांक करके भी नहीं देखा है, तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन अंतिम समय में केवल वही उनको काम में आए। इसका मतलब है अंतिम समय में जिसको हम नहीं देख रहे, प्रभु का नाम है, प्रभु का भक्ति है, अंतिम समय में वही हमारे काम में आएगी। इसलिए क्या करो, समय हो तो भगवान की नाम को जप करना, ठाकुर जी की भक्ति करना। हमारे बीच में श्री दामोदर प्रभु जी है, ये रहते हैं श्री अशोक नगर में, हैं अशोक नगर में ये पंडित जी है, ब्राह्मण पंडित जी है। इसलिए वहाँ पर भी भक्तियों को वहाँ पर भी भक्ति प्रभु जी प्रचार करते हैं। इसलिए प्रभु जी आपके लिए सुंदर सुंदर कुछ बात बताएंगे। ओम अज्ञातमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखय चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तशिवनारायणते नमः। सर्वथा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टजयं विष्णुपादष्टोत्तरसद्गुणाचार्य श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ और उनके हेतु ही कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्य पा श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ और उनके भी हेतु ही कृपा की वांछा करता हूँ। समुपस्थित ब्रह्मचारीगण पूजपा जी प्रभु समस्त श्रोता मंडली के चरणों में यथायु धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। देखो कुछ बोलूँगा उससे पहले एक हंसी की बात करता हूँ। कल महाराज जी ने एक बात कर रहे थे कि मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चों को भी क्या पता होता है
सुनी थी ना सबने, कैसे नहीं सुनी थी? मैं तो नीचे सो गया था, आधा नींद में था, जगह था, आप लोग सब सुने थे कि 2 साल के बच्चे को भी कहाँ भेज देते हैं, मस्जिद में। कुछ आए ना आए उनको क्या पढ़ना आता है, उनको अपने धर्म के विषय में सब कुछ पता है। अभी हमारे बच्चों को खड़ा करो, उनको सारे हीरो का नाम पता होगा, सब कुछ पता होगा, तो कह रहे हैं एक समय ऐसा आएगा कि देखो क्या स्थिति होगी। तो इसके लिए ना एक बड़ी सुंदर कथा। एक बार एक पंडित जी ना काशी से पढ़ाई करके जा रहे हैं, काशी में बहुत कथा सीखी जा रहे हैं ना, तो जा रहे ट्रेन में बैठे, रेल में गए, और रेल में ना कहीं रेल रुकी तो बड़ी कहीं भूख लगी, भाई भूख लगी तो ट्रेन से उतरे। अब आप लोग जानते हैं ट्रेन में चढ़ते उतरते तो बहुत सारी जेब कतरे होते हैं, पंडित जी जैसे स्टेशन पर उतरे ना तो जेब किसी ने साफ कर दी। अरे बड़ा खाने का मन है, खाने के लिए वो सामान भी लिया, किंतु देखा जेब में हाथ डाला पैसे नहीं, पैसे नहीं, वो पैसे नहीं है, तो बड़े परेशान हो गए। बोले उसने जो दिया, बोले भैया वापस ले लो पैसे, बोले ऐसे ही खा लो, बोले नहीं पैसे पैसे नहीं पैसे। अभी गए ट्रेन में, ट्रेन में देखा तो उनके पास एक पोथी थी भागवत की, वो तो वहीं रखी है, किंतु उनका बैग भी कोई नहीं है, तो नीचे गए ना तो बंद कर दिए। अब बोले भाई ना बैग है ना टिकट है और ना पैसे, क्या करेंगे। बोला चलो कुछ नहीं है, भगवान की भागवत की पोथी तो है, ले करके स्टेशन पर उतरे। अब देखा इस तरफ उतरेंगे स्टेशन की तरफ तो टिकट तो लगा लेगा, तो दूसरी साइड में जैसे हम लोग कभी कभी जो बिना टिकट गए उन लोगों को गाँव के लोग जानते हैं कि जिधर स्टेशन होता है उधर दूसरी साइड उतर जाते हैं, क्या करते हैं दूसरी साइड उतर जाते हैं। थोड़ा जो है ना दूसरी साइड उतर गए। अभी देखा कहाँ तक जाना, देखा बहुत दूर दिखाई दे छोटा सा टेढ़ घर दिखाई दे रहा उन्हें गांव में। पहुंचे गांव में, जब गांव में पहुंचे देखे कहाँ किसको बोलूं, बोले कथा करूंगा कुछ पैसे आएंगे कुछ धन आ जाए खाएंगे पिएंगे, कथा तो भगवान ने दी है बोल दिया। गए गांव में तो देखो जो जिसको जो होता है ना वो अपने ही समान व्यक्ति को ढूंढता है। उन्होंने कहा कथा कौन कराएगा, खराब जनरेटर, जनरेटर खराब है माने जी। तो समझ में आया, वो गांव में ढूंढा, अब वो किसको ढूंढेगा, पंडित किसको ढूंढेगा, गांव में पंडित को ढूंढेगा। तो गया गांव में जो मंदिर था वहां गया, देखे पंडित जी बैठे, बोला पंडित जी राधे राधे, बोले बोले नमस्कार ठीक है राधे राधे, अनजान में क्या करोगे उसको, उसको अवॉइड करोगे ना, धन कहाँ से आ गए। बोले पंडित जी राधे राधे, ठीक है ना सुन लिया तेरी राधे, वो 2-3 बार बोला ना वो पीछे ही पड़ेगा, बोले पीछे पड़ गया। बोला भाई बताओ क्या चाहिए, बोले मैं चाह रहा एक भागवत हो जाती। कौन कर अरे कृष्ण अरे ना भाई, तो पंडित जी से कहा क्या हो जाती है, एक भागवत हो जाती तो अच्छा था। बोले भागवत, बोले भागवत से क्या होगा, क्या जरूरत है भागवत करने की। बोले नहीं नहीं अगर आप यहाँ के मुखिया जी से मिल लेते तो एक भागवत हो जाती, पीछे पड़ गए वो तो जो बहुत देर हो गई ना। बोले चल ठीक है चल रहा है। तो वो गया मुखिया जी के यहाँ, तो मुखिया जी जैसे होते हैं गाँव में आप जानते हैं, खा पी के ठाकुर लोग जैसे होते हैं तो मस्त तंदुरुस्त बैठे हुए। बोले मुखिया जी पंडित जी आए हैं। बोले आए हैं तो हम क्या करें, आए हैं तो हम क्या करें, ठीक है। बोले कुछ कहना चाह रहे हैं। बोले क्या कहना चाह रहे हैं, बोले ये भागवत करना चाह रहे हैं। बोले भागवत, बोले वो क्या होता है, वो क्या होता है। बोले कोई भागवत भागवत कुछ नहीं। तो वहां उनके 4-5 बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा ये भागवत कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों को लगा भागवत कोई खेलने की चीज होगी, तो खेल दिखाने वाला आया। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि जब हम नॉलेज ही नहीं देंगे बच्चों को तो स्थिति क्या आएगी देखना एक दिन, क्योंकि 70% को तो पता ही नहीं है कि कथा भी कोई चीज होती है। धीरे धीरे और लुप्त हो जाएगी, जैसे जैसे चीजें होती है ना समय होता है, जब हम आएंगे नहीं उन्हें लाएंगे नहीं तो क्या स्थिति होगी। तो बोले भैया बच्चे रोने लग गए, बोले भैया हम तो भागवत देखेंगे। अब जब किसी के छोटे बच्चे रोते तो हम सब जानते हैं, थोड़ी देर तो चुप कराते हैं लेकिन बाद में क्या करते हैं उनकी जिद मान लेते हैं। तो उन्होंने बोला मुखिया जी ठीक है इन्हें क्या तो दिखाएं भागवत, बच्चे देख लेंगे हम तो नहीं देख रहे।
तो उनके लिए मंच बनाया गया। तो मंच जो बनाया गया ना, प्रधान जी के घर के बाहर एक बड़ी पटिया थी, पटिया समझते हैं आप लोग, जैसे गांव में पत्थर से डालते थे ना लेटने के लिए, वो ऐसी पटिया थी। उस पर पंडित जी का आसन बना दिया गया और सारे गांव के लोग बैठ गए। अब कथा शुरू हुई, कथा शुरू हुई तो अंदर प्रधान जी क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे। अब कथा शुरू हुई, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, जैसे जैसे टाइम बढ़े बच्चे उछक उछक के देख रहे हैं कि शायद अब कुछ निकलेगा, अब ये कोई कुछ दिखाएगा इसमें से। अब पंडित जी कथा कहते जा रहे हैं, तब तक प्रधान जी खा के आए खाना, होने लगी बड़ी तेज नींद। अब नींद क्या, उसी पटिया पर सोते थे जहाँ पंडित जी बैठे कथा कर रहे थे। उन्होंने इधर देखा उधर देखा, जगह नहीं मिली, वो उसी पर सो गए। कहाँ सो गए, पंडित जी की गोद में सिर रख के सो गए। वो ऐसे मोटे, अब पंडित जी थोड़ी देर कथा करी, थोड़ा प्रधान जी को हिलाया, बर्दाश्त नहीं होना ना दर्द, कथा करेंगे वो दर्द से, ऐसे किया एक बार तो प्रधान जी थोड़े हिले, फिर सो गए। जब बहुत देर हो गई बर्दाश्त नहीं, तो पंडित जी ने जोर से कर दिया, तो प्रधान जी उठे और सीधा पंडित जी गाल पे थप्पड़ दिया। तो जब बच्चों थोड़े खुश हो गए, बोले अब कुछ वही कथा, वही कथा। अब पंडित जी ने एक चाटा तो सह लिया, बोले कथा उठा तो देख ली गाँव के लोग कैसे, बोले अब इससे पिटने में कोई फायदा नहीं है। तो पंडित जी भी उठ गए, अब दोनों में क्या हुई, लड़ाई हुई, कोई पंडित जी उनको मार रहे, कोई प्रधान जी उनको मार रहे, मारते मारते वे गड्ढे में गिर पड़े। कहाँ हो गए, लड़ाई होते थे कहाँ गिर गए, गड्ढे में गिर गए। और जब गड्ढे में गिर गए तो प्रधान जी थोड़े बूढ़े, पंडित जी तो भी जवान लड़का, बहुत पंडित जी ऊपर बैठ गए उनके। तो गांव वाले बोले, बोले भागवत तो बढ़िया है किंतु भागवत प्रधान जी पे चढ़ी बैठी है। पंडित जी बोला गाँव बूढ़े पागल है, और उनकी छाती पर बैठे हुंकार भरने लगे, हूं करने लगे। उनने भैया भागवत भैया ज्यादा रूठ गए, अब तो गांव के सब लोग कहे पंडित जी किसी तरह भागवत भैया छोड़ देंगे तो हम जो कहोगे सब कर देंगे। पंडित जी बोले यही मौका है, इनसे जो लेना है ले लो। बोले देखो भागवत तो दे जाए पर रुपया लगेंगे 100। कितने लगेंगे 100। और उनकी पत्नी उनके बच्चे सब भागे, पैसे भी नहीं गिने, जिसके हाथ में जितने आए लेके आए, और लेके आके गठरी बांध के डाल दी कुएं। पंडित जी बोले सीढ़ी लाओ, बोले ठीक है, चढ़े नीचे उतरे, सीढ़ी डाली गई ना, चढ़े पैसे लेके भाग। बोले देखो जब तक भागवत जाएगी कोई आप नहीं, वैसे हिलना मत। और पंडित जी सीधे स्टेशन की तरफ गए, पैसे लेके चले गए। तो जब गांव वाले बहुत पिटे प्रधान जी, गाल वाल सब सूज गए, बाहर निकाला गांव वालों ने। तो पंडित जी बोले बड़ी भारी पड़ी भागवत। बोले पंडित जी बोले लो, गांव वाले बोले, बोले प्रधान जी जो हुआ सो हुआ, पर तुमने एक भागवत तो कराई, ऐसे रहे ना सब लोग। लेकिन अगर हम सच में अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे भगवान कौन है, राम कृष्ण कौन है, तो एक दिन ऐसी परिस्थिति जरूर आएगी कि हमारे बच्चे भी पूछेंगे भागवत कौन है, कृष्ण राम कौन है, और इसका फल क्या मिलेगा जानते हो? नहीं, वो तो छोटी सी चीज है, वो तो एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए, वो तो गाल पे तो मारे प्रधान जी ने, किंतु ये नहीं होगा। एक ऐसा गाल पे पड़ता है जिसकी आवाज जानता नहीं कौन मार रहा है, जानते हो क्या होता है? अभी जो लोग भेजते हैं अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसमें बड़ी बड़ी पढ़ाइयों में, जानते हो मेंटली कितने टॉर्चर हो जाते हैं बच्चे? बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे नॉर्मली स्मोकिंग करते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे लोग हैं, हमारे प्रभु जी जो विदेश के हैं, बहुत बढ़िया आपके सामने हिंदी बोल रहे थे, किंतु ये भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब की, इनसे पूछना वहां की लाइफ क्या होती है, क्या करते हैं बच्चे अपने टेंशन को दूर करने के लिए। और एक चीज सब लोग कहते हैं, बेटा क्या होना चाहिए हमारे अंदर, आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए? कौन सी दुकान पे मिलता है? लेकिन हम मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हैं किस लिए? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, उसका नाम ही है आत्मविश्वास, यानी आत्मा का विश्वास। अभी तो हमको यही विश्वास नहीं कि हम आत्मा है, तो आत्मविश्वास आएगा नहीं। जब पंडित जी नहीं, प्रधान कुमार पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो बताओ। देखो ये माता जी क्या समझी, ये है अर्थ को, यही हम समझाना चाह रहे हैं कि जब तक शास्त्र सही से नहीं सुनेंगे ना, हम जिस बात को सुनेंगे अपनी बुद्धि से तुरंत बोलना शुरू कर देंगे। जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे समझ कुछ नहीं आएगा, आधी बात आधी चीज हमेशा व्यक्ति को परेशान करती है।
समझ में आई बात? पूरी सुननी चाहिए और जब दूसरा बोले उसकी भी पूरी सुननी चाहिए। कोई बात का समाधान कब निकलता है? जब एक कहे उसकी पहले पूरी सुन लो, फिर जब दूसरा कहे आप भी शांति से उसकी पूरी सुनो। आधे में ही बोलोगे तो आधा ही हाथ आएगा और वो आधा कभी काम नहीं आएगा। तो यहां पर बात यह है कि बच्चों को ये शास्त्रीय ज्ञान देने की आवश्यकता क्या है, क्यों दें हम ये सब? तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जिस आत्मविश्वास की हम बात कर रहे हैं, जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल हमको शास्त्रों के समझने के बाद ही मिल सकता है। नहीं तो हमें किसी भी प्रकार से आत्मविश्वास नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो हमारा मनोबल क्या होगा, कभी टूटेगा नहीं। देखो एक उदाहरण देता हूं, और एक माइक ले आ, जो पहले के बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग यहाँ बैठे जो बुजुर्ग लोग हैं, अंदर में और एक माइक है। जिस परिस्थिति से आप लोग जीवन को निकाल करके आगे आए हैं, यदि आज के समय में किसी बहुत न्यू कमर बच्चे को, जिसे हम सब कुछ दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं या सब कुछ दे रहे हैं, उसे अगर आपकी वाली कंडीशन मिल जाए, कितना आसान है उसके लिए कर पाना, कर पाएगा वो? जैसे हम उसको पाल रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, बहुत मुश्किल है। एक बार हमारे प्रभु जी बात कर रहे थे सुबह, जब हम किसी घर में प्रोग्राम में गए, कि व्यक्ति मरना भी चाहता है ना, तो मर नहीं सकता कब तक, जब तक उसका मरने का समय नहीं आता। तो कुछ लोग जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, वो लोग बोलते हैं हमसे तो जो आजकल पशु पल रहे हैं ना घर में, कुत्ते या जो भी, उनका जीवन ज्यादा अच्छा है। ऐसा हमने खुद भी बोलते हुए सुना। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जगह पर सुनते हैं। मैं खुद नोएडा में एक जगह गया पूजा करने के लिए, तो एक व्यक्ति की स्थिति, हम घर में गए नोएडा सेक्टर 80 में, जहां पर अब सारे न्यूज सेंटर सब बन गए हैं, पहले वहां पर सोसाइटी है पीछे की तरफ, वहां मैं गया। उस व्यक्ति के घर में उसकी पत्नी अमेरिका रहती है, बेटियां अमेरिका रहती हैं, वो अकेला रहता था, बहुत डायबिटीज थी उसको, वो पूजा करा रहा है। भाई पूजा, आपको ना डायबिटीज के मरीज को ना बार बार बाथरूम आता है, क्या करे, पूजा से उठेगा, कोई तो उसकी जगह चाहिए। तो उसने कुत्ता पाल रखा था। क्या पाल रखा था? कुत्ता। तो वो ना एक कलावा पकड़ के रखता था हाथ में, जैसे हम दूर से पकड़ा देते हैं, तो जब वो बाथरूम जाता था ना, वो कलावा उस कुत्ते के गले में डाल के चला जाता था। तो मैंने जो भैया हमारे पूजा कर रहे हैं, मैंने कहा भैया तो शुद्ध होगी पूजा? कह रहे क्या करें, इसकी श्रद्धा बहुत है कुत्ते में, हमें तो पूजा से मतलब। समझ आया? वो कुत्ते में उसकी इतनी श्रद्धा है, और उस कुत्ते की खासियत थी, यदि आप उसे 800 स्विफ्ट डिजायर छोटी छोटी गाड़ी में बिठाओगे बैठेगा नहीं, यानी वो गाड़ी पहचानता था। उसको महंगी 30-40 लाख के ऊपर की गाड़ी होगी तो चढ़ेगा नहीं, तो चढ़े गाड़ी लेके वापस आ जाता था। वो हमारे सामने ले गया, वो उसने सच में 3-4 गाड़ियां खुलवाई, किसी में नहीं गया, जो सबसे महंगी गाड़ी थी उसी में बैठा। अभी लोग उसको देख के क्या सोचेंगे, हमारे जीवन से तो किसी का जीवन अच्छा है, और अगर ये सोचते हम रहे तो फिर हमारा क्या होगा, जो मति सोगति। तो बड़ी ही विडंबना है, यदि शास्त्र की बातों में विश्वास रहेगा तो हमें विश्वास रहेगा कि जो हमारे जीवन में सुख आना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो हमारे जीवन में दुख आना है तो उसे कोई काट नहीं सकता। इस बात पर जिसको विश्वास है, जो ये बात कहां से सीखेंगे हम, ये हम सीखेंगे शास्त्र से, कि जीवन में सुख और दुख तो परिस्थिति के अनुसार आता है। कोई आपके जीवन में, अच्छा हम सारे लोग हैं सुबह उठ के जब पूजा करते हैं तो किस लिए करते हैं, हे भगवान मेरे को आज परेशान कर देना, आज मेरे से कोई नहीं मानता ना कुछ भी खराब। किंतु जब दुख आने होते हैं तो क्या रुक जाते हैं, घोड़े की तरह दौड़ के आते हैं, और आपको बहुत, और सुख कितने आते हैं, दुख कितने आते हैं, हम सब जानते हैं, है ना? इतनी सुख की कामना करने के बाद भी अगर कैलकुलेटर लेके बैठोगे तो सुख कितने मिले, लेकिन जब सुख आता है तो कुछ करो ना करो आ जाता है, और जब दुख आता है तो इधर इधर आ गया, अंदर में आ गया। तो हमें सिर्फ एक ही चीज समझनी है, आप अपने बच्चों क्या सिखाना होगा, जितनी पढ़ाई सिखा रहे हैं, जितनी चीजें सिखा रहे हैं, शास्त्र में कुछ शास्त्र की बातें भी सिखानी पड़ेंगी, और कम से कम रामायण नहीं तो भागवत कुछ ना कुछ घर में हमको पढ़ के सुनाना चाहिए। और इसके लिए क्या करना होगा, जो हम लोग अभी सुन रहे हैं अपने ही पास में, जैसे यहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपके लोगों के बच्चों का जन्मदिन होता है, शादी की सालगिरह होती है, आप भी छोटा सा कीर्तन रखो, कथा रखो, कुछ नहीं होगा तो भगवान की कथा सुनिए कुछ तो। पहले तो घरों में यही होता था, जन्मदिन पे क्या होता था हम सब लोग जानते हैं, कथाएं कराते थे लोग, है ना? अभी तो कथा बता सकते, अभी तो केक काटते सीधा। तो समझना पड़ेगा,
हमको अपनी शास्त्र नीति जो हमारी भक्ति में श्री भगवान को जब जिस चीज में याद करेंगे वो कार्य जरूर क्या होगा, मंगलमय होगा। और जहां भगवान को कोई स्थान नहीं है वहां वो कार्य कभी मंगलमय हो नहीं सकता। तो आप सबको क्या प्रयास करना है, ये भगवान की कृपा से तो महाराज जी हमारे बीच में आए हैं। ऐसे संत जो केवल और केवल आपसे एक ही इच्छा रखते हैं, किसी तरह भगवान का नाम करो। अगर आप लोग भगवान का नाम करोगे बताओ इनको क्या मिलेगा, भगवान का नाम आप करोगे भगवान इच्छाएं आपकी पूरा करेंगे, सुख शांति आपके जीवन में आएगी, इनको क्या मिलेगा, इन्होंने तो आपको कुछ और मांगा नहीं। क्या बोलते हैं हमेशा, क्या करना है हम सबको, भगवान का नाम करना है। तो ये हमको समझना होगा कि वास्तविक साधु क्या होते हैं, खुद जो आनंद लेते हैं दूसरे को भी उसी आनंद की ओर ले जाने की चेष्टा करते, जितना भगवान का नाम खुद कर रहे हैं आपको भी। तो हमें यदि आनंद में रहना है तो केवल और केवल हमारे पास इस कलयुग में क्या सहारा है, कलयुग केवल नाम आधार, और कोई आधार नहीं है, ना यज्ञ आधार है, ना जप आधार है, कुछ तपस्या भी आधार नहीं, केवल और केवल भगवान का नाम आधार है। कलयुग में एक ही तरीका है, वो है केवल भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा, बस कुछ नहीं करना। तो जो चाहते हैं, सच में हमको परेशानी है, जब हमको दुख है, हम इस अपने जीवन को उद्धार करना चाहते हैं, वो तो भगवान का नाम श्रद्धा से करें। और महाराज जी हैं यहाँ पर जब तक वो कल तक और हैं, तो आप लोग कम से कम सही रूप में हरि नाम ग्रहण करके अपने जीवन में भगवान का नाम करें। और कोई अभिलाषा आपसे हमारी नहीं है, आप अपने घर में ही रहें, सब कुछ अपने घर में करें, किंतु क्या करें, सब कुछ भगवान से जोड़ के करें, बस यही इच्छा है ना। और इसका सारा फल भी किसको मिलेगा, आप ही को मिलेगा, आपके परिवार को ही मिलेगा। इस प्रकार से भगवान के नाम में श्रद्धा रख के यदि हम घर में ये सब करेंगे तो जरूर हमारे बच्चों में भी क्या आएगा, बिना किसी मोटिवेशनल स्पीकर के क्या आ जाएगा, आत्मविश्वास। और वो क्या करेगा, जब भी उनका बुरा वक्त आएगा वो कभी स्थिति में किसी में घबराएंगे, आप भी नहीं घबराओ और वो भी नहीं घबराएंगे, निश्चिंत रहते हैं भगवान के भक्त, ठीक है। तो आप सब लोग ऐसा करें, निश्चिंत रहे, और शास्त्रों के प्रति जो है ना, कथाओं के प्रति अपने बच्चों की और अपनी भी क्या बढ़ाएं, रुचि बढ़ाएं, थोड़ी सी इच्छा बढ़ाएं, ठीक है। गिरिराज महाराज की, गिरिराज बाबा की, हरे कृष्ण। ये बिजली चली गई हमारी, ये कुछ बच्चे लोग कुछ कथा सुनाते लेकिन बिजली चली गई, इसलिए जल्दी हम कथा को विश्राम करते थे, ठीक है। गिरिराज जी कथा सुन लो थोड़ी सी, इसमें लगा दो तो माइक, यहाँ लगा दो, अरे माइक लगा, माइक दूसरे माइक कहाँ गया, ले आओ ले आओ ले आओ गिरिराज, ले आओ ले आओ जल्दी जल्दी, बोले गिरिराज बाबा की आवाज आ रही है पीछे तक, कहाँ तक आ रहे हैं, हाथ उठा दो। बोले गिरिराज महाराज की जय, में आनंद नहीं आ रहा, कोई तो कुछ लोग तो जय कुछ लोग है कह रहे। देखो कल कल हम लोग सुन रहे थे ना, जो व्यक्ति गिरिराज गोवर्धन गए होंगे, देखना वो जो शिला के ऊपर में शिला रखा हुआ देखे हो, मतलब क्या है, जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए वो शिला के ऊपर में जितने शिला रखते हैं ना उसको उतना मंजिली ढाकर के मकान दे देते। अब पेड़ में देखना, पेड़ में पेड़ बंधा हुआ, धागा बंधा हुआ, क्यों, जिसकी नौकरी चाकरी नहीं हो रही है, जिनकी बेटा बेटियों की छोरी छोरियों का शादी नहीं हो रहे, वो पेड़ में पेड़ बांध देते हैं, नहीं तो उसमें रस्सी बांध कर जा जाते, नहीं तो गिरिराज को अभिषेक कर देते ना, जल्दी से जल्दी उनका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं, हमारे बड़े गुरु जी कहते हैं, ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं, बोले क्यों, बोले इतना कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, ये क्या मांगेगा, जो मांगता है गिरिराज गोवर्धन उसे वही दे देते हैं। इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता, सारे इच्छाओं को पूरी करने वाले श्री गिरिराज बाबा हैं। लेकिन गुरु जी और एक बात कहते हैं, कहते गिरिराज तो ये संसार की जो वस्तु है ना, गिरिराज जी आसानी से दे देते, बिना कष्ट के दे देते, लेकिन एक चीज प्रभु जी वहां पर बैठ कर माला करो सबके सब, इसलिए हर चीज तो दे देते हैं, लेकिन जब एक चीज उनको मांगो फिर गिरिराज जी सोचते हैं इसको दूं कि नहीं दूं, कहते वो कौन सा चीज है, कहते अगर उनकी भक्ति उनकी प्रेम अगर कोई मांगता है ना, गिरिराज सोचते हैं इसको दूं कि नहीं दूं, क्यों, कहते संसार की वस्तु देकर तो गिरिराज जी को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जब उनको
गिरिराज प्रभु जी अब बैठो, चुपचाप बैठो, चुप वहां बैठो। कहते ये संसार की वस्तु दे करके तो वो छुटकारा उनके पास जाता है, लेकिन जब वो भक्ति देते हैं ना, फिर उनको उनका प्रेम में बसीभूत होना पड़ता है, उनका प्रेम में बंधना पड़ता है। इसलिए सहज में गिरिराज जी वो प्रेम को देना नहीं चाहते, लेकिन अगर हृदय से अगर उनको प्रेम मांगोगे, वो भक्ति प्रेम सेवा भी गिरिराज देते हैं। इसलिए जो जितने जोर से गिरिराज की जय देगा उसको उतना ही जय होगा। देखता हूँ कौन कितना ही जोर से जय देता है। बोले श्री गिरिराज महाराज की। अभी आनंद आ गया है। इसलिए देखो ये जो गिरिराज गोवर्धन है, कौन कौन गिरिराज गए हो, हाथ उठाओ तुम सबके सब। हम तो यहाँ पर एक दिन सोच रहे थे जीत इनको सबको लेकर गिरिराज परिक्रमा लगा करके आ जाए, चलेंगे, चल सकते हो इनको लेकर गिरिराज परिक्रमा लगा कर ले आओ। हम लोग जाना चाहते हो गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा लगाना चाहते हो, लगता है बड़े दिनों से लगाए नहीं होंगे ना, ये करुणा की वजह से शायद गए नहीं होंगे। इसलिए मैंने सुना ये अड़ोसी पड़ोसी से कोई गिरिराज गोवर्धन हर महीना महीना में यहाँ पर ले जाते हैं ना। हाँ, इसलिए ये ले जाते हैं। अगर आप भी अगर बोलोगे जैसे गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा लगाओ और वृंदावन का दर्शन करके फिर अपना घर में वापस चले आओ, चलोगे? कौन कौन चलेगा? ज्यादा लोग नहीं चलेगा तो एक बस ले जाए, कम से कम एक बस होनी चाहिए, है? एक बस होनी चाहिए। फिर इनको जीत प्रभु जी इनको लेकर घुमा कर ला सकते हो, कुछ व्यवस्था करोगे? यहाँ से एक गाड़ी ले जाओ, बस ले जाओ, बस लेकर के जैसे इनकी गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा लगा दिया और वृंदावन में बांके बिहार दर्शन कर लो और वहाँ गोलगप्पे बढ़िया मिलता है और लस्सी और वहाँ पर चाट मसाला हुआ जो टिकिया मिलता है वो बढ़िया फेमस है और वहाँ बांके बिहारी राधा वल्लभ राधा दामोदर मंदिर है, परिक्रमा लगा करके दर्शन करके वापस चले आओ, चलोगे? कौन जाएगा? हाथ उठा बन जाएगा। हाँ, गोलगप्पे के नाम से प्रभु जी क्या करें, गोलगप्पे के नाम से सब पड़ेगा। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, अभी हम अभी बात करते हैं, ठीक है? अगर होगा तो इनको कथा के बाद में एक बार गिरिराज परिक्रमा भी हो जाएगा। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। अभी गिरिराज की कथा सुन लो, ये गिरिराज कौन, कहाँ से आए, इनकी पूजा किसने करवाया, क्यों करवाया, करने का क्या फल है, इसकी कथा सुन लो। बोले ये गिरिराज जो गोवर्धन है ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है, है? ये कोई साधारण पहाड़ नहीं। एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या की, किसकी? बोले राधा और कृष्ण की। जब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए बोले बताओ क्या बर चाहते हो, देखो ये ब्रज की कितने महिमा देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब संतुष्ट हुए भगवान बोले क्या चाहते हो, बोले प्रभु आपकी चरण की हम सेवा चाहते हैं। बोले किस रूप में चरण की सेवा चाहते हो, बोले प्रभु अगर आपकी ब्रज वृंदावन में अगर हम कोई पत्थर रूप में जन्म हो जाए, अगर आप हमारी सर को ऊपर में लीला करेंगे ना, हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए देखो ब्रज में जो नंदीश्वर महादेव जो नंदगांव है, कभी जाओगे ऊपर में जो नंदीश्वर महादेव वो स्वयं शंकर ही ये पर्वत बन करके आए। जब बरसाना में जाओगे वो जो पर्वत देखोगे ये ब्रह्माचल पर्वत, ये ब्रह्मा स्वयं वहां पर पत्थर रूप में जन्म हुए पहाड़ रूप में। और जो गिरिराज गोवर्धन देखोगे ना ये कौन है, ये साक्षात श्री भगवान विष्णु, ये गिरिराज के रूप धारण किए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ये तीन पर्वत रूप में ब्रज में जन्म लिए, कहते ये एक स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है कि जो गिरिराज गोवर्धन है ना, ये गिरिराज गोवर्धन कौन है, बोले ये गिरिराज गोवर्धन साक्षात भगवान ये कृष्ण चंद्र है, कृष्ण ही ये गिरिराज रूप धारण किए। एक रूप में तो पूजा करवाए और दूसरे रूप में उन्होंने पूजा को ग्रहण किया है, हैं? इनका जो तीसरा रूप है राधा रानी कहती है बोले हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज, कहते भगवान के जितने सेवक हैं सबसे जो श्रेष्ठ सेवक श्री गिरिराज, इसे पहला श्री युधिष्ठिर महाराज हरिदास,
हरिदास बर कौन है? श्री उद्धव जी। और हरिदासों में भगवान के सेवकों में जो सबसे बड़े सेवक है श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए ये कोई पहाड़ नहीं। अब गिरिराज जो गए अब देखे होंगे, आप कोई भी पहाड़ देखोगे ना उसका सर ऊंचा देखोगे, लेकिन गिरिराज के भी देखोगे ना वो ऊंचा नहीं देखोगे। जैसे किसी चीज से पिघल जाने पर, जब कोई चीज पिघल जाती है ना, अब गिरिराज को देखोगे जो पिघला हुआ रूप। बोले क्यों? भगवान जब इसको पर गैया चराए ठाकुर जी, उन्होंने रास रचाए, वहां पर ठाकुर जी रास लीला किया, सखाओं को अंदर में लीला की है, उसी समय भगवान की चरण स्पर्श होकर के गिरिराज द्रवीभूत हो गया पानी जैसे। आप कोई भी टुकड़ा गिरिराज के उठाओ, हर और कहीं पहाड़ का कोई टुकड़ा उठाओ, लेकिन ना दूसरा जगह का जो पहाड़ का है ना वो खसखस लगेगा, लेकिन गिरिराज का कोई टिकड़ा होगा खसखस नहीं लगेगा, देखो जो मुलायम लगेगा, जैसे किसी ने घी लगाया है। आप गिरिराज की कोई भी एक टुकड़ा उठाना, कोई भी, देखना किसी ना किसी रूप में कहीं कृष्ण का रूप होगा, नहीं तो प्रभु राम के रूप होगा, नहीं तो अनंत नाग के रूप होगा, किसी ना किसी कहीं नरसिंह रूप होगा, कोई भी गिरिराज के टुकड़ा में भगवान के कहीं ना किसी ना रूप देखोगे, क्योंकि ये गिरिराज कोई पहाड़ नहीं, ये गिरिराज साक्षात भगवान श्री विष्णु, ये कृष्ण है। बोले ये गिरिराज आए कहाँ से? बोले ये गोलक वृंदावन से आए। ये गर्ग संहिता की कथा है। एक दिन कृष्ण श्री राधा रानी से बोले, हे राधे, मैं ये मरते जगत में जाना चाहता हूँ, तो मेरे साथ में चलोगी? राधा रानी बोले, मैं नहीं जाती। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना नदी नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना नहीं, मैं वहां किस लिए जाऊंगी? इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। कृष्ण बोले, देखो राधे, मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा गोलोक वृंदावन में, मेरे सखा सखी भी जाएंगे, मेरे पिता माता भी जाएंगे। ये जो यमुना नदी देख रहे हो गोलोक वृंदावन में, ये यमुना महारानी भी जाएगी, हैं? यहाँ पर साक्षात नंदगांव बरसाना और यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन भी चलेंगे और तेरी पिता माता सखिया भी चलेगी। तो राधा रानी बोले, फिर तुम्हें चलो। इसलिए जब भगवान आए ना, पूरा गोलोक वृंदावन को ही यहाँ पर उनने उतार दिया। जो वृंदावन ब्रज धाम देख रहे ना, ये कोई साधारण नहीं। इसलिए ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री, पात पात में श्री राधे 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 होई। वहाँ का कोई वृक्ष कल्प वृक्ष है वहाँ पर, हैं? वहाँ पानी नहीं, अमृत। वहाँ पर कोई चलता है ना, लगता है कोई नाच रहे हैं। अगर कोई वृंदावन में सोते रहोगे समाधि का फल मिलेगा, अगर घूमोगे तो वहाँ पर वहाँ परिक्रमा के फल मिलेगा, वहाँ कुछ भी बोलोगे भगवान की स्तुति करने का फल मिलता है। ऐसे श्री गिरिराज महाराज की महिमा, गिरिराज की, ये कोई पहाड़ नहीं, ये साक्षात भगवान। कभी ये गिरिराज आए कैसे, कहाँ से आए, इनकी दो कथा आती है। एक कथा आती है जिस समय भगवान राम अभी लंका में विजय करना चाहते, लंका जाना चाहते, इतने में समुद्र ने बोले, देखो आपको साथ में दो बंदर है, नल और नील, इनको ऋषियों का वरदान है, कोई भी चीज को उठा करके पानी में फेंकेंगे ना वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। पहाड़ लाओ और क्या करो, उसमें राम का नाम लिखो और पानी में छोड़ दो, क्या होगा? पानी में तैरना तैरेगा। इसलिए जिस समय पुल बंद रही थी, भगवान राम बोले, भैया बड़े से बड़े पहाड़ लाओ, जल्दी जल्दी पुल बंद जाए। इसलिए हनुमान जी सोच रहे थे, जल्दी जल्दी बड़े से बड़े कहीं पहाड़ मिल जाए, ले आए ना, जल्दी जल्दी पुल बंद जाएगा। हनुमान जी भ्रमण करते करते सालमली द्वीप में गए और उन्हें ये गिरिराज गोवर्धन को देखा, विशाल पर्वत। अब गए ना, कौन कौन गए गिरिराज? कितना बड़ा पर्वत है जिसको केवल घूमने के लिए 7-8 घंटा लग जाते हैं ना, लेकिन अभी तो ये छोटा है, लेकिन ये पुलस्त ऋषि के अभिशाप से ये धीरे 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 नीचे, एक तिल खड़े होते जा रहे हैं। इसलिए पहले इतना विशाल था गिरिराज, उसका परछाई मथुरा तक पड़ती थी, इतने विशाल थी। उन्होंने हनुमान जी बोले, जल्दी जल्दी इसको ले जाए, ए पुल बंद जाएगा, मैया जसोदा मैया सीता जल्दी उधार हो जाएगी। उन्होंने हनुमान जी ने क्या किया, एक हाथों से उन्होंने जय गिरिराज महाराज की, कुछ जय कुछ जय बोल रहे हो, जोर से बोलो, बस गिरिराज बाबा जी। उन्होंने गिरिराज को उन्होंने उठा लिया और हनुमान जी उड़ते हुए आ रहे थे। अभी जहां पर गिरिराज जब वहीं पर आए,
लेकिन ये गिरिराज क्यों आए? कृष्ण सेवा के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना किया, ठाकुर जी मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, मेरे को यही स्थान दो। इतने में जो पुल बन रहे थे, पुल बंधना खत्म हो गया। इतने में भगवान राम बोले बंदर को और पत्थर की जरूरत नहीं, जो जहां पर पत्थर वहीं पर रहने दो। हैं हनुमान जी गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने वहीं रख लिया। जब रख लिया गिरिराज दुखी हो गए, बोले मेरे को इतने दूर से लाए हो और थोड़ी दूर चले जाते तो ठाकुर के सेवा में लग जाता है, रोने लग गए। हनुमान जी बोले कोई चिंता मत करो, अभी जो राम है ना त्रेता युग में आए, यही राम ही द्वापर युग में श्याम बन करके आएंगे। अभी तो तुमको थोड़ी सी सेवा मिलता, ठाकुर चल करके जाते, माता सीता को उधार करके ले आते। उसी समय में इंद्र जो बारिश करेगा, ठाकुर जी कनिष्ठ अंगुल पर तेरे को धारण करेंगे, हैं रास रचाएंगे, गोचारण करेंगे, कितनी सेवा में तुम लगोगे, कोई चिंता मत करो। इसलिए गिरिराज को उन्होंने वहीं पर गिरिराज को रख लिए। इसलिए पुलस्त ऋषि जब ला रहे थे वहां भी रखे, दूसरे भी कथा है। इसलिए बल्कि गिरिराज गोवर्धन की पूजा कैसे हुई, एक दिन मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ हैं रसमलाई रात भर बना रही थी। इतने में कृष्ण बोले मैया मैया कल क्या मेरी जन्मतिथि है, क्यों आज रात भर इतना बढ़िया बढ़िया बना रहे हो? बोले तेरे नहीं। बोले फिर? बोले दाऊ भैया का? बोले नहीं। बोले जा पिताजी को पूछ, जा करके पिताजी को पूछ। क्यों? अभी कृष्ण छोटा है ना, 7 साल की कृष्ण की, अब देना बच्चों का स्वभाव क्या है, कोई खाने का चीज देखे ना झट हाथ मार देते हैं बच्चे, ऐसे कहते हैं ना, उनको तो पता नहीं ठाकुर भागुर क्या होता है, कोई खाने का चीज देखा था तो उसमें कहा हाथ मारते हैं, खाने में हाथ मार के झट मुंह में डाल देते हैं। मैया ने सोचा छोटा बच्चा किसी में हाथ लगा देगा ठाकुर पूजा नहीं होगा, हैं ठाकुर जी की पूजा नहीं होगी। इसलिए उन्होंने क्या किए, उन्होंने इंद्र पूजा के लिए उन्होंने सब बना रहे थे। इतने में बोले जा पिताजी के पास में चले जा, पिताजी को पूछो। अभी पिताजी की गोद में कृष्ण बैठ कर ताड़ी पकड़ लिए। बोले बाबा बाबा मैया जसोदा ये रात भर ये सब कितने खाना क्यों बना रही है, पिताजी क्या कारण है, किसको पूजा होगा? बोले देख बेटा हमसे इंद्र देव गिरिराज जी आ गए। बोले गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, जय श्री राधे श्याम। गिरिराज को कहाँ लगाओगे, रख लो उसको, तो खाली कर दो, ऐसे खड़े कर देंगे, सब दर्शन करें। बोले गिरिराज बाबा की, अरे जयकार जोड़ तो बाबा जी आ गए। हाँ अभी श्री गिरिराज महाराज बैठो, अभी उन्होंने बोले किस लिए आप इतना पूजा कर बना रहे हो? इतने में नंद बाबा बोले देख बेटा हम सबके सब ग्वाला, हमारा जो मूल धन गैया, इसलिए इंद्र स्वर्ग का राजा, इनके अधीन में ये मेघ है। इंद्र जब आदेश देता है ये मेघ बरसाता है, मेघ बरसने पर घास उगता है, गैया घास खा करके दूध देते हैं, और दूध से सब तो जो कुछ बनता है, दही बनता है, दही से क्या बनती है मक्खन, मक्खन से घी, फिर दूध को गर्म होकर क्या बनती है राबड़ी, और ज्यादा गर्म होकर तो क्या हो जाता है जितने मिठाई बनती है, हैं दूध, यही हमारी मूल आहार है। अब यहाँ पर कोई गांव के हैं, कोई कौन कौन गांव के, गांव देखना पहले क्या होता था, आप लोगों को पता होगा पहले हर घर में गैया बेच रहते थे, अगर कोई कोई चीज नहीं है ना बस गुड़ और रोटी, अभी भी गांव में गुड़ और मोटी मोटी रोटी है, चूल्हे की रोटी और अचार खा लिए बस, मट्ठा पी लिया है बस, एक गिलास दूध पी लिया हो गया, सब्जी भजी भी कोई जरूरत नहीं होती थी। अभी भी ब्रज में गांव में जा बना यही चीज खाना और नहीं कुछ खाना, गांव में यही है बस, एक गिलास मठा नहीं तो दूध पी लिया और मोटी मोटी रोटी अचार और गुड़ से खा लिया हो गया, और क्या। यहाँ भी हमारे श्याम प्रभु जी है कहते गांव में यही सब खाते हैं, अरे मोटे छोटे चतुर्थ तंदुरुस्त बने हुए हैं। इसलिए यही सब कुछ था, ये गैया ही मूल धन था, गो धन ही सबसे पहले, सबसे ज्यादा धनी किसको मानी जाती थी, जिसको पास में जितने गैया होता था उसको ही जगत में सबसे बड़े धनी। नंद बाबा का कितना घर में गैया था बोलो, 9 लाख, ब्रजभानु महाराज का 11 लाख, जिसको पास में जितने गैया गो धन है वही उतना बड़े आदमी होते थे। इसलिए बेटा हमें इंद्र पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण को किसका पूजा करवाना, गिरिराज की पूजा करवाना, क्योंकि ये जो गिरिराज गोवर्धन ये कोई पहाड़ नहीं, ये साक्षात गोलोक वृंदावन से आए हैं, ये स्वयं भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान के सबसे भक्त श्री गिरिराज।
इसलिए कृष्ण ने कहा पिताजी आप कहे तो इंद्र बारी बरसाता है। बोले हाँ। बोले ये जो समुद्र है क्या ये समुद्र इंद्र पूजा करता है? लेकिन ये समुद्र में जो बारिश होता है क्यों? क्या ये जितने जंगल है कोई इंद्र पूजा करता है? जंगल में बारिश होती कि नहीं? बोले होती है। बोले ये तो पूजा नहीं कर रहे कैसे बारिश होती है? बोले पिताजी हमारे भाग्य में जो है ना वो मिलेगा, इसलिए कोई चिंता मत करो। इसलिए हमारी जो प्रत्यक्ष देवता कौन है? ये गिरिराज गोवर्धन है। गैया घास कहाँ खाते हैं? गिरिराज से। झरना से पानी कहाँ से मिलता? गिरिराज से। फल फूल मिलता है कहाँ से? बोले गिरिराज से। घास कहाँ से खाते हैं? बोले गिरिराज से। बोले मेघ आकर के गिरिराज में टकराता है, पहले गिरिराज बहुत बड़ी थी वो टकराता है तभी बारिश होती है। इसलिए पिताजी हमारी जो ब्रज की देवता ये गिरिराज, इसलिए इनके आशीर्वाद से हमें यहाँ पर स्थान मिला पिताजी। इनको इसको गिरिराज गोवर्धन को तुमने कोई पहाड़ मत समझो, ये कोई पहाड़ नहीं। बोले गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, जय 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 श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पीछे से माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही कि नहीं? हाँ, पीछे का माइक का आवाज खोल दो, खोल दो, वो वहीं से काम कर रहा है। बोले गिरिराज बाबा की। बोले इसलिए पिताजी जो ब्राह्मण इनकी पूजा करो, ये हमारे सब कैसे देवता है, हैं? गैया को बढ़िया बढ़िया घास खिलाओ और उनका शरीर में रंगली लगाओ, नाम गैया की पूजा ब्राह्मण की पूजा करके, ये प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए पिताजी आप बताओ कितने साल से अब इंद्र की पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आया। बोले अभी तक इंद्र को देखे कि नहीं? देखे हो? बोले नहीं लाला। बोले पिताजी जब ये गिरिराज की पूजा करोगे ना, अब देखना ये गिरिराज प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, जो खाना खिलाओगे स्वयं ग्रहण करेंगे, इनसे जो कुछ मांगोगे धन दौलत पुत्र परिवार छोरा छोरी ये सब गिरिराज पूरी करेंगे। और इन्हीं, बोले लाला इन्हीं आंखों से ठाकुर दर्शन करेंगे? बोले हाँ बाबा। बोले भैया अभी तक तो हमने कभी ठाकुर देखा ही नहीं। बोले ठीक है, हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, किसकी पूजा करेंगे? बोले गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले पूरा ब्रज मंडल में ढिंडरा पिटवा दो, कल इंद्र पूजा नहीं, कब सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले गिरिराज बाबा की जय। देखो जो 1 किलो का लड्डू बना रहा था ना बेसन में, बोले भैया गिरिराज के ताई हम तो 2 किलो लड्डू बनवाएंगे। जो 2 किलो बना रहे थे क्या हलवा, बोले हम 4 किलो हम हलवा बनवाएंगे। इसलिए जो जितना बना रहे थे ना सबके सब डबल बनाए। जानते हो कितने तरह का चावल उन्होंने बनवाए? 4 तरह का चावल बनवाए। पता नहीं तुम लोग कितना चावल लाए हो, एक मिट्टी चावल, एक फिक्की चावल, एक मटर पनीर डाल करके और एक नमकीनी चावल बनवाए। कितना चावल लाए हो घर से? सूखा चावल लाए गुरुदेव, ये तो सूखा चावल लाए, मटर पनीर नहीं चाहिए, नहीं लाए। हे भगवान, मीठा चावल भी नहीं लाए, हे भगवान, क्या खीर लाए हो? हाँ, इसलिए पता नहीं कितने तरह की खीर, माता जी में खीर लाई, इसलिए कितने तरह का खीर बनवाए है, कितने तरह का सब्जी कड़ी, कड़ी तो 2 तरह का कड़ी बनवाए, एक राड़ कड़ी और एक सुहागिनी कड़ी। राड़ कड़ी बगैर पकौड़े के जो कड़ी बनती है, सुहागिनी कड़ी जिसमें पकौड़ा डाल करके बनाते हैं। आज ऊपर हमने देखा सुहागिनी कड़ी बन रही है, हमने देख करके आया सुहागिनी कड़ी बन रही है। इसलिए दो और जो दाल भात चूरमा बनवाए, चूरमा का 2 तरह का चूरमा, कहते एक हंसना एक रोना। हंसना मतलब जिसको पतले में रखते ही खिल जाए, रोना मतलब जिसे घी टपकता है। और पराठा, आलू की पराठा, गोभी की पराठा, मूली की पराठा, हमारे एक गुरु भाई है वो तो 40 तरह का पराठा बनाता, 40 तरह का पराठा बनाता। तो इतना सामान लाए ना, उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्न मतलब अन्न, रोटी की अन्न, मालपुआ की, समोसा की, हाँ कूट मतलब पहाड़ जैसे, पूरा पूरा गिरिराज गोवर्धन पूरा खाने में एकदम भर गया। क्योंकि ब्रज में 365 गाँव है, तरोली बरौली सही ऊंचा गाँव नीचा गाँव नंदगाँव बरसाना जाबट कुकिलावट, अभी भी ब्रज में 365 गाँव, इतने खाना लाए ना पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया। भगवान कृष्ण ने अपना हाथों से गिरिराज अभिषेक करवाया, अभिषेक करा के और उन्होंने
गिरिराज के सुंदर श्रृंगार की और जितने खाना लाए थे ना सब में तुलसी पत्ता दे दिया और ठाकुर को आसन पाद्य आचमन दे करके गिरिराज गोवर्धन को बुलाया। हे गिरिराज गोवर्धन, आप कृपा करके इसको स्वीकार करो। जब इतना बोला ना, सचमुच से वहां पर श्री गिरिराज गोवर्धन विशाल स्वरूप लेकर गिरिराज प्रकट हो गए। बोले श्री गिरिराज बाबा की, विशाल स्वरूप लेकर प्रकट हो गए। सारे ब्रजवासी देख रहे थे और गिरिराज गोवर्धन बोले, देखो आप भी ध्यान देकर सुनो, आज का दिन मेरी सेवा में जो एक अन्न की दाना जिसने भोग में लगा दिया, मैं आशीर्वाद देता हूँ किसी जीवन में भी उसका घर में अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी। हैं, ठाकुर ने ये आशीर्वाद दिया और ठाकुर जी बोले, देखो ये भी सुन लो। बोले क्या है? बोले भैया, ये जो गिरिराज गोवर्धन है, अगर ये पूजा की कोई अनादर करेगा ना, जन्म जन्मांतर में भीख मांगते रहेगा, उसके घर में कभी लगे। ये गिरिराज स्वयं कहते हैं अहम गिरिराज अस्मि, देखो मैं साक्षात गिरिराज गोवर्धन हूँ। फिर सारे ब्रजवासी, उन्होंने भगवान गिरिराज गोवर्धन को सारे ब्रजवासियों ने दर्शन किया, दर्शन करके और गिरिराज ने क्या किया, उन्होंने हाथ बढ़ा बढ़ा करके जो कुछ दिया था ना, हाथ बढ़ा बढ़ा कर खा रहे थे और मिनट में सब कुछ खा लिया और बोले, आनोरे और लाओ और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले, प्रभु हम इतने में खुश हो जाओ, हम गरीब ब्रजवासी क्या खिलाएंगे। फिर उनको तांबूल और तालाब का तालाब पानी पी दिया। जब पानी पिया लिया ना, देखो कोई एक सखा था, माता जी पानी देने वाले, चुप, ए पानी देने वाले, अरे पानी मत पियो इसको। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण ने क्या वरदान दिया, हाँ, इतने में कृष्ण का कोई एक सखा था, वो ब्राह्मण है, वो मनसु का, कहते बोले, भैया तेरे गिरिराज बड़े भूखे देवता है, एक खिड़का भी उन्होंने रखा ही नहीं, लेकिन जब हम इंद्र पूजा करते थे वो जो सूखा प्रसाद होता है ना, एक महीना तक घर में चलता था और तेरे ठाकुर ऐसे भूखे एक खिड़का भी रखा नहीं, सबके सब खा लिया। भैया अगली बार से तेरे गिरिराज की पूजा नहीं, हम तो भैया इंद्र ही अच्छे देवता है। भगवान कृष्ण ने कहे, गिरिराज के ऐसे मत कहा करो, है गिरिराज अच्छे नहीं, तुम्हारी इंद्र पूजा अच्छा है। आंख बंद कर सबके सब, सबके सब आंख बंद कर लो। आंख बंद किया ना, इतने में गिरिराज जी ऐसे हाथ घुमा लिया, जो एक किलो जो बेसन का लड्डू वो दो किलो हो गया, दो किलो का जो सूजी की हलवा चार किलो हो गया, हैं, जितना जो पांच किलो का रसगुल्ला वो दस किलो हो गया, सब डबल डबल हो गया। ब्रजवासी तरस उठे, भैया हम तो थक गए, हमें पता नहीं था डबल डबल हो जाएगा, नहीं तो और थोड़ा ज्यादा आता बना कर ले आते, हैं, हम तो थक गए। इसलिए इसका मतलब क्या, जब भगवान के लिए कोई चीज लगाओ ना, कहते ना प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, हर समय प्रसाद बढ़ता रहता है प्रसाद। इसलिए जब ठाकुर को सेवा करेगा ना, कभी ठाकुर जी कमी नहीं करते हैं, घर में बढ़ती रहती है। इसलिए अभी उन्होंने बोले, ब्रजवासियों चकाचक भोजन करो, चलो भोजन करके चलो, हम सबके सब गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे। जितने ब्रजवासी थे, जितने बड़े बूढ़े को तो बैलगाड़ी में बैठा दिया और जितने जवान थे ना, सबके सब परिक्रमा के लिए चले। पहले सबसे पहले कौन चल रहे थे, जितने संत ब्राह्मण चल रहे थे, उसको पीछे कौन चल रहे थे, जितने गैया बछड़ा ये भी चल रहे थे, बोले उनको पीछे जितने पुरुष लोग और सबसे पीछे माताएं चल रही थी, सबसे पीछे ये माताएं चल रही थी परिक्रमा में और सबसे पीछे राधा रानी चल रही थी। जब थोड़ी दूर परिक्रमा करते हुए गए ना, अभी राधा रानी सोच रही है, अगर सचमुच से कृष्ण अगर मेरे प्रियतम होएंगे, मेरी मन की भावना समझेंगे और मेरे को थोड़ा दर्शन दे देंगे। अभी राधा कृष्ण तो दो है ही नहीं, वो एक ही है, हैं? दो नहीं, बोले जापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण है बसो, जो कृष्ण वही राधा, जो राधा वही कृष्ण, केवल लीला करने के लिए वो दो हुए हैं। अभी उनकी भावना को समझ गए, समझ करके इतने में कृष्ण ने क्या किया, जो गैया चरणा का जो लकुट थी ना, वो लकुटी को उन्होंने ऊपर से फेंके, फेंक करके कृष्ण छलांग लगाए और जो लकुटी को उन्होंने पकड़ने के लिए गए, इतने में पीछे राधा रानी थी, राधा रानी की दो आंख और कृष्ण का दो आंख मिल करके एक हो गया, राधा रानी तो खुश हो गए। और कृष्ण का जो लकुट थी ना, उसमें हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, कृष्ण जब लकुट को ऐसे की, उसमें राधा रानी का जो पीछे जो परछाई ना, वो इसमें पड़ा, कहते ये लकुट में, उसमें जो हीरे मोती में,
और जब कृष्ण का जो परछाई कहते उसमें मणि में, अभी दोनों को परछाई को दोनों देख करके राधा रानी कृष्ण का परछाई दर्शन किया और कृष्ण राधा रानी का परछाई दर्शन कर खुश हो गए। थोड़ी दूर गए, अभी फिर राधा रानी सोच रही हैं, अगर कृष्ण मेरे सचमुच से प्रियतम, मैं चाहता हूँ कृष्ण एक बार आकर के मेरे को स्पर्श भी करे। अभी कृष्ण सोच रहे कैसे स्पर्श कर, राधा रानी तो पीछे, कृष्ण ने किया क्या है कि बछड़े का मुंह पीछे करके उसका पूछ को एंट दिया, वो एंटते ही ना वो बछड़ा फुसलते हुए पहुंच गया पीछे। कृष्ण बछड़े को बहाना बनाकर पीछे गए और राधा रानी को स्पर्श कर दिया, राधा रानी की रोम रोम खिली उठी। ऐसे ही सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा किया है, बड़े आनंद आया हैं, बड़े आनंद आया। इसलिए कल हम सुनेंगे इंद्र कैसे क्रोधित होकर के कैसे 7 दिन तक बारिश करेगा। जब बारिश किए कितने भगवान ने क्या किया, श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सबके सब आ जाओ गिरिराज की तलहटी में है। इतने में सबके सब गिरिराज की तलहटी में आ गए और जितने सखा लोग थे ना गोप लोग सब सब डंडे लेकर लगा दिया। इतने में जब डंडे लगकर लगा दिया, मैया जसोदा कृष्ण को बारंबार मक्खन खिला रही थी, लाला को भूख नहीं लग जाए हैं, और हाथ को मालिश कर रही थी। बोले क्यों, बोले हाथ उनके दर्द नहीं हो जाए। इतने में थोड़ी देर जब गया ना, इतने में सखाओं ने कहा बोले कृष्ण तेरे हाथ में दर्द हो जाएगा लाला, थोड़ी सी हाथ को नीचे कर ले। इतने में कृष्ण ने कहा भैया तुमसे गिरिराज नहीं टिकेगा, तुमसे ये गिरिराज नहीं टिकेगा। सखाओं ने बोले क्या हमसे क्यों नहीं टिकेगा, क्या मैया का दूध तू अकला पी रखा, हमने मैया का दूध पिए नहीं, तो हाथ लगा नीचे कर दे, हम भी गिरिराज को उठा सकते हैं। इतने में कृष्ण ने जब गिरिराज को धीरे 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 नीचे करने लगे ना, हाथ नीचे किया, ए गिरिराज तो धीरे धीरे नीचे आने लग गया, जो डंडा रखे थे ना सब डंडा सब 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 टूटना शुरू हुआ है, सबके सब टूटना शुरू हुआ। इतने में सखाओं ने बोला कन्या हमसे ये गिरिराज नहीं टिका, तू ही गिरिराज को उठा ले। ए कृष्ण गिरिराज को कनिष्ठ अंगुल पर उठा करके रखे और जितने ब्रजवासी 7 दिन तक उसने जी जान इंद्र लगा दिया। 7 दिन के बाद में इतने में क्या हुआ, राधा रानी भी सामने आई। अभी कृष्ण तो राधा रानी को देख करके ना, राधा रानी के ऐसे स्वरूप है, इतना प्रेम स्वरूप है, कहते बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंड। क्या होता है जब राधा रानी को कृष्ण दर्शन करते हैं, राधा रानी जब तिरछी चितवन से कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण का हाथ से बंसुरी गिर जाते हैं, मयूर मुकुट गिर जाता, कृष्ण का भी खुद भी गिर जाते हैं। राधा रानी की ऐसी कृपा, जब राधा रानी सामने आ गई, कृष्ण तो राधा रानी को देख करके कृष्ण अपना को स्थिर नहीं रख पाए, हाथ डगमगाने लग गया। सखा ने कहा कन्हैया किधर देख रहे हो, उधर क्यों देख रहे हो, हैं उधर किधर देख, हैं तुम राधा रानी को देखते जा रहे हो और ये गिरिराज गिरने वाले। इतने में कृष्ण संभाल गया गिरिराज को। ऐसे जब 7 दिन के बाद में इंद्र ने एक दूत को भेजा, देख करके आओ तो ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं, और दूत ऊपर ऊपर से देखा इंद्र को पास में वापस गया। बोले बताओ क्या स्थिति है, बोले ब्रज में एक चिट्ठी तक अभी नहीं, सब खत्म। इंद्र ने और एक को भेजा, भैया तू देख कर गया, वो तो ऊपर देखा था, वो जो नीचे आकर के देखा ना एक चिट्ठी तक भी भरा नहीं, ब्रज में तो धूल उड़ रहा था। अब ब्रज में बड़े आनंद से बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश ना, तेरा सत्यानाश हो गया। बोले मतलब जिसको तू साधारण बालक समझ रहा था ना,
वो गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठ अंगुल पर उठा कर रखे। अरे जितने ब्रजवासी सब तो से नीचे आनंद ले रहे हैं, होली उड़ रहा है, सब आनंद ले रहे हैं। तो कहा भैया ये कृष्ण कौन है? ध्यान लगा करके देखा, हे भगवान ये तो मेरे प्रभु है, जिसने बामन अवतार में इंद्र पद मेरे को दिया था, ये मेरे प्रभु है। लगता है मेरे इंद्र पद चला गया, इंद्र पद ही गया मेरे। इतने में उन्होंने दुखी होकर के गुरु जी को पास में, बृहस्पति को पास में गए। बृहस्पति बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चलो श्री ब्रह्मा जी को पास में। ब्रह्मा जी को पास में जब गए, ब्रह्मा जी बोले तुमने सर्वनाश कर दिया। कुछ दिन पहले मैं भी पड़ गया था चक्कर में, मैं तो कृष्ण को साधारण गोला समझ रखा था, उनके बछड़े सखाओं को चोरी किया, बाद में पता चला ये भगवान ना, मैं तो नाक रगड़ रगड़ तो मेरा भी अवस्था खराब हो गया। भैया ये कृष्ण साधारण देवता नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म स्वयं भगवान कृष्ण। बोले क्या किया जाए? बोले इनका नाम गोपाल, जो गैया को पालन करते हैं, इसलिए चलो सुरभि गाभी की अनुगत्य में जाएंगे। अरे सुरभि गाभी की अनुगत्य में आए, अरे भगवान ने उनको शासन किया। बोले खबरदार कभी ऐसे नहीं करना, तेरे अंदर में अभिमान आ गया था, तेरे अभिमान को मैंने चकना शुरू करने के लिए लीला की। जिसको ऊपर में मैं कृपा करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, जैसे हम अनुग्रह नाम यानी से सब धनो सने, मैं जिसको पर सही सही कृपा करता हूँ सब कुछ मैंने अपहरण कर लेता हूँ, हैं? इसलिए खबरदार कभी ऐसा अभिमान नहीं करना। फिर भगवान को उन्होंने पंचामृत से स्नान कराया, गोविंद कुंड जल से स्नान कराया, भगवान को एक नाम रख दिया गोविंद भगवान। बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले श्री गिरिराज बाबा की जय, जय श्री राम। अभी प्रभु जी गिरिराज की सुंदर सुंदर भजन गाएंगे। देखो गिरिराज की भजन में जो नाचेगा ना, 84 लाख जो नाचना बंद हो जाएगा। अभी यहीं पर अभी ये गिरिराज को हम बीच में रखेंगे। प्रभु जी एक चेयर ले आना, एक चेयर ला करके बीच में रखना, ठीक है? चेयर है इसको मैं हम लोग बाद में ना कीर्तन को बाद में गिरिराज को 4 बार लगा देना परिक्रमा। कितना बार परिक्रमा लगाओगे? 4 बार। और गिरिराज से भक्ति प्रेम मांगना, ठीक है गिरिराज से? हाँ, और एक बात सुनो, आज जो 4 भोगों की कथा सुना, देखा लास्ट में केवल भगवान का नाम ही साथ में जाती है और कुछ साथ में नहीं जाती है। जिनको हरिनाम लेकर के हरिनाम करना है, आज सवेरे कुछ माताएं आई थी, माताएं आकर के माला लेकर गई, जिनकी इच्छा होगी हम हरिनाम करेंगे। इधर सुना, हम 2 तरह से हरिनाम देते हैं। अगर किसी ने पूरा प्याज लहसुन का अगर कोई छोड़ दिया, अगर कोई प्याज लहसुन को छोड़ दिया, प्याज लहसुन क्या है? कहते जो प्याज है ना ये गैया का मांस से सृष्टि हुआ है, जो लहसुन है ये गैया की हड्डी से बना है। इसलिए देखना जैसे नवरात्रि आती है ना, आप लोग कोई घर में प्याज लहसुन खाते हो? खाते हो प्याज लहसुन? क्यों नहीं खाते हो? माता जी को पसंद नहीं तभी खाते हो ना। क्या 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा फिर? हाँ, जो चीज माता को पसंद नहीं वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। जो चीज ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगा वो चीज हमें भी पसंद नहीं। इसलिए भगवान जो सुदर्शन चक्र से और राक्षसों को बध किया ना, जहाँ पर उसकी मांस गिर पड़ा वही प्याज की पौधा हो गई है। इसलिए जैसे मांस लाल लाल, देखना प्याज भी लाल लाल, जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, आप देखना कच्चा प्याज का मुंह से बदबू आती है, प्याज काटो पता चलता है प्याज कट रही है ना। इसलिए प्याज की सृष्टि गो मांस और राक्षस का मांस से, इसलिए ये चीज हमें त्याग देनी चाहिए। घर में जो कुछ भोजन करे ठाकुर को भोग लगेगा, ठाकुर जी को। सुदामा पहले गरीबी क्यों बना, धनी क्यों बना, बताओ कारण क्या है? सुदामा कृष्ण सुदामा जब जंगल में गए थे, गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया था, बोले सुदामा कृष्ण को देख कर खाई हो, लेकिन सुदामा ने क्या किया, छुपा छुपा कर खाया, इसलिए गरीब बना। धनी का बना जब भगवान के लिए 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी 2 मुट्ठी खाई तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया। मतलब क्या है, जब ठाकुर को देख कर खाओगे ना घर में लक्ष्मी की भी कृपा होगी। अगर उनको बिना दिए खाओगे तो लक्ष्मी धीरे धीरे घर से चलती रहेगी, घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, ठीक है? देखो इनके परिवार में देखो है, क्या नाम प्रभु जी? राजेंद्र, राजेंद्र प्रभु जी। और पत्नी का नाम क्या है? कुसुम जी। हैं? कुसुम दीदी। देखो इन लोगों ने क्या बोल रहे हैं जानते हो? कहते महाराज जी हम जाते साल में तो 2 बार कथा, साल में कितना बार कथा हो? 2 बार, हमारी साल में 2 बार कथा हो। इसलिए आज मेरे को बोल रही थी
जब तक हम रहेंगे तब तक हर साल कथा कराएंगे, हैं? अगर दोनों में एक भी रह जाएगी तब तक हम कथा करेंगे, बच्चे जो करेंगे करेंगे बाद में, अगर दोनों में एक भी चली जाएगी, अगर एक भी रहेगा जब तक हम रहेंगे घर में तब तक हम कथा कराएंगे। इसलिए देखो, इसलिए इन्होंने 7 दिन तक जी भर करके सबको प्रसाद खिलाया, भगवान की भक्ति करते हैं। इनका बेटा बोटी नाती बहू सब देखे, सबके गले में कंठी देखो, छोटे छोटे बच्चों को देखो ना, सब उनको भी कंठी पहनाया, चोटी रखते हैं, सबके सब बहू या बच्चे भक्ति करते हैं। इसलिए भगवान की भोग तो वगैरह खाते नहीं, घर में प्याज लहसुन नहीं घुसता। इसलिए जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा होगा, प्याज लहसुन के बगैर खाना बनाओगे ठाकुर को भोग लगाओगे ना, माल भी खूब आएगा घर में। लक्ष्मी कहाँ आती है? जहाँ पर ठाकुर का सेवा होता है, जहाँ नारायण की सेवा वहीं लक्ष्मी आएगी। अगर नारायण की सेवा में नहीं लगाओगे लक्ष्मी को, मतलब जो खाना खाओगे भोग नहीं लगाओगे, तो लक्ष्मी भी घर घर से धीरे धीरे चलती जाएगी, खत्म हो जाती, ठीक है ना। इसलिए बगैर प्याज लहसुन के खाना बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। जो प्याज लहसुन छोड़ देते हैं हम उनके लिए गले में तुलसी भी कट्टी देते हैं, क्योंकि जब तक गले में तुलसी कट्टी नहीं पहनो ना, तब तक ये शरीर पवित्र नहीं होता है, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते। तुलसी लक्ष्मी नारायण दोनों गले में। इसलिए और जो बोलेंगे हम धीरे धीरे एक चीज को छोड़ेंगे, एक साथ में हम छोड़ नहीं पाएंगे प्याज लहसुन, फिर हम उनको नीम की माला देते हैं, बोले नीम की माला लेकर के हरिनाम करो, बच्चों को भी करवाओ। किसको कराओ? बच्चों को भी हरिनाम करवाओ। देखना जो बच्चों का मन चंचल है, पढ़ाई में नहीं लगता है, हैं? मन अशांत, बच्चों को भी हरिनाम कराओगे पढ़ाई अच्छा होता है, बच्चे अच्छे बनते हैं, संस्कार बनते हैं, हैं? इसलिए कल आकर के 7-8 बजे आओगे तो आपको थोड़ी समझा करके माला दूंगा। आज तो कुछ माताएं आकर के लेकर गई, कथा सुनने का यही फल है। अगर कथा सुन करके जो प्रभु का नाम में जिनकी रुचि हो गई ना, समझना हमारी कथा सुनना सार्थकता हो गया। अगर 7 दिन तक तो कथा सुने प्रभु का नाम में रुचि नहीं हुआ, इसका मतलब तुमको ज्यादा कोई लाभ नहीं हुआ है, इधर सुने उधर निकल कर चला गया। क्योंकि पूरी भागवत का सार ही प्रभु का नाम ही है, अंतिम समय में नाम ही जाएगा साथ में। अगर इतनी सी किसके समझ में आ गया, समझना पूरी भागवत तुम्हारी समझ में आ गई। अगर इतनी सी समझ में नहीं आया तो खाली हाथ में आयो और खाली हाथ में तुम गए, ठीक है। जिनकी इच्छा होगी सबे आकर माला ले जाना और भजन करना, सुखी रहना। अभी ठाकुर जी अब कल है रुक्मिणी विवाह है, कल किसके विवाह है? कल रुक्मिणी विवाह है। हाँ देखो, कल ठाकुर जी की शादी होने वाले है, सुदामा चरित्र है। कल कौन सा रंग की साड़ी पहन करके आओगे? सबके सब लाल रंग, जैसे शादी में जाती है ना चमक धमक पहन करके, कल सबके सब चमक धमक पहन करके आना, क्योंकि ठाकुर जी की भगवान द्वारकाधीश की शादी है। और कल, हाँ इधर सुना, अगर कोई रुक्मिणी की विवाह में कोई शादी में कोई साड़ी दोगे ना, अगर कोई अच्छी साड़ी दोगे, हम वृंदावन में अभी जाएंगे, इसके बाद में वृंदावन जाएंगे, फिर राधा रानी को वो साड़ी हम राधा रानी को पहनाएंगे, ठाकुर जी को पहनाएंगे। जैसे कल सुदामा का चरित्र है, आप थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के आना, क्योंकि ठाकुर जी 2 मुट्ठी खा करके उनको त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी दिए थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा चावल लाना। और जाते समय यहाँ आपको मैं थोड़ी थोड़ी चावल दूंगा, ले जाना, उसको लाल कपड़े में वो बांध करके ठाकुर जी घर में रखने पर माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है, ठीक है। बोले श्री वृंदावन वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गिरिराज महाराज की, हाँ प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हवन हवन कितने बजे करोगे प्रभु जी? राजेंद्र प्रभु जी कहाँ है? हवन कल कर देंगे, क्योंकि परसों हम सवेरे सवेरे चले जाएंगे, इसलिए कल हवन यहाँ पर कल हवन 10 बजे प्रभु जी, कल 10 बजे हवन होगी ना, कल 10 बजे यहाँ पर हवन होगी। अब लोग जो हवन में जो लेना चाहते हो अब हवन में आ सकते हो, अगर आए तो जैसे थोड़ी सी घी हो, नहीं तो थोड़ी सी कोई हवन सामग्री हो साथ में ले आना, हैं? क्योंकि वो जो हवन होगा ना, ये भगवान नरसिंह देव का हवन है। जैसे घर में हमारे बड़े दुख कष्ट है, अशांति है, दुख कष्ट जा ही नहीं रहे हैं, इसलिए जैसे भगवान नरसिंह देव, जैसे प्रहलाद गुप्पर में बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति आई, जैसे सारी विपत्ति से दूर कर दिया, ये नरसिंह भगवान की हवन में आहुति देने से समस्त दुख कष्ट दूर हो जाता है। जितने कोई उल्टा पुल्टा ग्रह तुम्हारे ऊपर में, सारे ग्रह शांत हो जाता है,
इसलिए कल 10 बजे आ जाएगा यहाँ पर। आप कोई नहीं, 10 बजे ये जाएंगे और पे, इसलिए 10 बजे होएगा, ठीक है 10 बजे आ जाएगा सब। प्रभु जी गाओ गौरी गिरिराज महाराज की जय। अभी महाराज जी आपको सुना रहे थे कि ब्रजवासियों ने बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी के लिए भोग बनाए, 56 भोग लगे गिरिराज जी को। तो आइए क्या क्या पकवान बनाए, मीठे नमकीन चटपटे जो भी हैं। कि खुल चले है खीर मान खीर साहब खुल में खीर खजला जलेबी कला कंद वारुसाई है मोहन धार मेवा वाली मथरी मसूर पाग एक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। सबका मुंह में पानी आ रहे हैं राबड़ी की बात सुनकर कि भुजिया नमकीन हो गए गठिया सकल बारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है मधु कुश्याम नंदी बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के आज गिरिराज भोग में सजाई है। भाई हमें चलते हैं तन से तो कहा है और नगराने के मन से चलते हैं गोवर्धन में। अरे मैं तो गोवर्धन धनी को मेरे Thank you.
I'm gonna go to the bathroom.